नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको आवारा पागल दीवाना मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। आवारा पागल दीवाना। आवारा पागल दीवाना अंग्रेजी बेवार्ड क्रेजी इंसेन विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का संगीत अनु मलिक ने दिया था और गीत समीर ने। इसमें पूरी तरह से द होल नाइन यार्ड से प्रेरित एक प्लॉट है और स्टंट निर्देशक डायन लैम द्वारा कोरियोग्राफ किए गए एक्शन दृश्यों को पेश करता है, जिन्होंने द मैट्रिक्स और हांगकांग की एक्शन फिल्मों में काम किया था। यह अक्षय कुमार द्वारा भव्य और आकर्षक गीत चित्रांकन स्टंट एक्शन दृश्यों के लिए उल्लेखनीय था और जॉनी लीवर के साथ परेश रावल की लोकप्रिय हास्यपूर्ण केमिस्ट्री, जिन्होंने छोटा छतरी नामक एक मज़ेदार किरदार निभाया। दीवाने हुए पागल नामक एक सीक्वल 2005 में जारी किया गया था। निर्देशक विक्रम भट्ट द्वारा लिखित नीरज बोरा संवाद, कहानी द्वारा मंगेश कुलकर्णी, आनंद वर्धन द्वारा निर्मित ए जी नाडियाडवाला, फिरोज ए नाडियाडवाला अभिनीत, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, आफ्ताब शिवदासानी, परेश रावल, प्रीति झिंगियानी, आरती छावड़िया, अमृता अरोड़ा, छायांकन प्रवीण भट्ट द्वारा संपादित अमित सक्सेना, संगीत दिया है अनु मलिक, फ्रेको बास स्कोर, प्रोडक्शन कंपनी बेस इंडस्ट्रीज ग्रुप द्वारा वितरित शेमारू एंटरटेनमेंट पेन इंडिया लिमिटेड, रिलीज की तारीख 20 जून 2002, कार्यकारी समय 164 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी। भूखंड। कहानी एक मृत भारतीय अंडरवर्ल्ड डॉन बाबू बलदेव प्रसाद की विरासत पर केंद्रित है, जिनकी दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाती है। वह अपने बेटे विक्रांत, अपनी बेटी प्रीति और प्रीति के पति गुरु गुलाब खत्री के बीच समान रूप से वितरित करने के लिए न्यूयॉर्क बैंक में $200 मिलियन के हीरे छोड़ देता है। हीरो का दबाव करने के लिए तीनों लाभार्थियों को बैंक में उपस्थित होना चाहिए या यदि मृत्यु हो तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। डॉन की मौत के कुछ समय बाद विक्रांत टेलीविज़न के पूर्ण दृश्य में भारतीय गृह मंत्री की हत्या करके गुरु को ख़त्म करने का प्रयास करता है। कैमरे उसके वेश में अभियोजन से बचने के लिए गुरु किसी और के वेश में अमेरिका भाग जाता है। गुरु उस गली में जाता है जहां अनमोल और उसका परिवार रहता है। अनमोल उसे खबर से पहचान लेता है। उसकी सास उसे विक्रांत को गुरु के बारे में बताने और इनाम पाने के लिए अपने ससुर मणिलाल के साथ भारत जाने के लिए मजबूर करती है, लेकिन सब कुछ गलत हो जाता है जब विक्रांत इनाम नहीं देता है और इसके बजाय अनमोल और मणिलाल को अपने किराए के पुरुषों येदा अन्ना और छोटा छतरी के साथ गुरु को मारने के लिए वापस अमेरिका भेजता है। बाद में उन्हें पता चला कि येदा अन्ना एक डबल एजेंट था। वह पूरे समय गुरु के लिए काम कर रहा था क्योंकि उसने अधिक पैसे की पेशकश की थी। समूह हवाई अड्डे पर विक्रांत और प्रीति को प्राप्त करता है और होटल के लिए ड्राइव करता है। होटल में विक्रांत को चीनी गुंडों के एक रहस्यमय समूह द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। येदा अन्ना को एक फ़ोन कॉल आता है और पता चलता है कि अपहृत विक्रांत असली या डुप्लीकेट था और असली वाला बाद में विमान से आने वाला था। वे दूसरे विक्रांत को मार डालते हैं और उसके शव को ब्रुकलिन ब्रिज के पास एक कार में डाल देते हैं। विक्रांत की मृत्यु के साथ प्रीति और गुरु प्रत्येक को आधे हीरे मिलते हैं। जब वे बैंक के बाहर होते हैं तो पुलिसकर्मियों का एक समूह ने गिरफ्तार कर लेता है और एक अज्ञात रेगिस्तानी इलाके में ले जाता है। यह पता चलता है कि विक्रांत अभी भी जीवित है और पहले विक्रांत को चीनी गुंडों ने अपहरण कर लिया था। विक्रांत को हीरे मिलते हैं और वह गुरु को मारने की कोशिश करता है। एक लड़ाई होती है। लड़ाई के अंत में गुरु विक्रांत को मार देता है। जब यह सब ख़त्म हो जाता है
तो वे एक दूसरे से यह पता लगाने के लिए कहते हैं कि हीरे किसके पास हैं। अनमोल के पास हैं और कहता है कि अगर वह प्रीति को तलाक देता है तो वह उन्हें गुरु को दे देगा। गुरु अनमोल द्वारा चुनी गई लोकेशन पर पहुंचता है और अनमोल को तलाक के कागजात देते हुए हीरे ले आता है। एदा अन्ना ने गुरु को डबल क्रॉस किया और हीरे चुराने की कोशिश की। गुरु एक लड़ाई में जीत जाता है और एदा गुरु को हीरे देता है, जबकि उसे एक बार में लटका कर छोटा छतरी के कंधों पर खड़ा कर देता है। आखिर में अनमोल और उसका प्यार प्रीति भारत जाते नज़र आते हैं। अनमोल के पूर्व ससुर उसे कुछ हीरे देते हैं जो उसे गुरु से मिले थे। प्रीति टिप्पणी करती है कि वह नहीं जानती थी कि गुरु बहुत अच्छे थे। फेंकना, एदा अन्ना के रूप में सुनील शेट्टी, गुरु गुलाब, खत्री के रूप में अक्षय कुमार, डॉक्टर अनमोल आचार्य के रूप में आफ्ताब शिवदासानी, मणिलाल पटेल, अनमोल के पूर्व ससुर परमजीत के पति और मोना के पिता के रूप में परेश रावल, छोटा छतरी के रूप में जॉनी लीवर, एक हकलाने वाला गुंडा जो एदा अन्ना के लिए काम कर रहा है, टीना चिप्पा, अनमोल की सचिव के रूप में आरती छावड़िया जो बाद में गुरु गुलाब खत्री से शादी करती है, प्रीति जंगियानी, प्रीति आचार्य पहले खत्री, नी प्रसाद बलदेव की बेटी, विक्रांत की बहन, गुरु गुलाब की पूर्व पत्नी और अनमोल की पत्नी के रूप में वह गुरु गुलाब और विक्रांत के बीच की लड़ाई को ख़त्म करना चाहती है लेकिन उसकी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। मोना पटेल, मणिलाल और परमजीत की बेटी, अनमोल की पूर्व पत्नी के रूप में अमृता अरोड़ा जो लगातार उन पर हावी रहती है, विक्रांत प्रसाद के रूप में राहुल देव, बलदेव के पुत्र, प्रीति के भाई गुरु, गुलाब के पूर्व साले, वह अपनी विरासत का दावा करने के लिए गुरु गुलाब को मारने की कोशिश कर रहा है, परमजीत पटेल, मणिलाल की पत्नी, अनमोल की पूर्व सास, मोना की माँ के रूप में सुप्रिया पिलगांवकर, वह लगातार अनमोल और मणिलाल पर हावी रहती है, डॉन बाबा बलदेव प्रसाद के रूप में ओमपुरी, कैमियो असरानी, चंपक लाल के रूप में बलदेव की नम्र वकील कैमियो। गीत संगीत, एल्बम का संगीत अनु मलिक ने दिया है, सभी गीत समीर द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर एक आवारा पागल दीवाना, इस गाने को शान और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो जिस हसन रोना, इस गाने को उदित नारायण, सोनू निगम, शान, अलका याग्निक, सुनिधि चौहान और सारिका कपूर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन प्रेम धुन। गाना नंबर चार मैंने तो खाई कसम, इस गाने के गायकार सुनिधि चौहान और अभिजीत हैं। गाना नंबर पाँच मोर सांवरिया, इस गाने के गायकार सुनिधि चौहान, शान और अनु मलिक हैं। गाना नंबर छः या हबीबी, इस गाने के गायकार अदनान सामी और शब्बीर कुमार और सुनिधि चौहान हैं। गाना नंबर सात ये तूने क्या किया, फिल्म में इस्तेमाल नहीं किया गया, इस गाने के गायकार सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको आवारा पागल दीवाना मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। आवारा पागल दीवाना, आवारा पागल दीवाना अंग्रेजी वे वार्ड क्रेजी इंसेन, विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का संगीत अनु मलिक ने दिया था और गीत समीर ने। इसमें पूरी तरह से द होल नाइन यार्ड से प्रेरित एक प्लॉट है और स्टंट निर्देशक डायन लैम द्वारा कोरियोग्राफ किए गए एक्शन दृश्यों को पेश करता है, जिन्होंने द मैट्रिक्स और हांगकांग की एक्शन फिल्मों में काम किया था। यह अक्षय कुमार द्वारा भव्य और आकर्षक गीत चित्रांकन स्टंट एक्शन दृश्यों के लिए उल्लेखनीय था और जॉनी लीवर के साथ परेश रावल की लोकप्रिय हास्यपूर्ण केमिस्ट्री, जिन्होंने छोटा छतरी नामक एक मज़ेदार किरदार निभाया। दीवाने हुए पागल नामक एक सीक्वल 2005 में जारी किया गया था। निर्देशक विक्रम भट्ट द्वारा लिखित नीरज वोरा संवाद, कहानी द्वारा मंगेश कुलकर्णी, आनंद बर्धन द्वारा निर्मित
ए जी नाडियाडवाला, फिरोज़ ए नाडियाडवाला, अभिनीत अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, आफ्ताब शिवदासानी, परेश रावल, प्रीति झिंगियानी, आरती छावड़िया, अमृता अरोड़ा, छायांकन प्रवीण भट्ट द्वारा संपादित अमित सक्सेना, संगीत दिया है अनु मलिक, फ्रेको बाज, स्कोर प्रोडक्शन कंपनी बेस इंडस्ट्रीज ग्रुप द्वारा वितरित शेमारू इंटरटेनमेंट पेन इंडिया लिमिटेड, रिलीज की तारीख 20 जून 2002, कार्यकारी समय 164 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड कहानी एक मृत भारतीय अंडरवर्ल्ड डॉन बाबा बलदेव प्रसाद की विरासत पर केंद्रित है, जिनकी दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाती है। वह अपने बेटे विक्रांत, अपनी बेटी प्रीति और प्रीति के पति गुरु गुलाब खत्री के बीच समान रूप से वितरित करने के लिए न्यूयॉर्क बैंक में $200 मिलियन के हीरे छोड़ देता है। हीरो का दबाव करने के लिए तीनों लाभार्थियों को बैंक में उपस्थित होना चाहिए या यदि मृत्यु हो तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। डॉन की मौत के कुछ समय बाद विक्रांत टेलीविज़न के पूर्ण दृश्य में भारतीय गृह मंत्री की हत्या करके गुरु को ख़त्म करने का प्रयास करता है। कैमरे उसके वेश में अभियोजन से बचने के लिए गुरु किसी और के वेश में अमेरिका भाग जाता है। गुरु उस गली में जाता है जहाँ अनमोल और उसका परिवार रहता है। अनमोल उसे खबर से पहचान लेता है। उसकी सास उसे विक्रांत को गुरु के बारे में बताने और इनाम पाने के लिए अपने ससुर मणिलाल के साथ भारत जाने के लिए मजबूर करती है, लेकिन सब कुछ गलत हो जाता है जब विक्रांत इनाम नहीं देता है और इसके बजाय अनमोल और मणिलाल को अपने किराए के पुरुषों येदा अन्ना और छोटा छतरी के साथ गुरु को मारने के लिए वापस अमेरिका भेजता है। बाद में उन्हें पता चला कि येदा अन्ना एक डबल एजेंट था। वह पूरे समय गुरु के लिए काम कर रहा था क्योंकि उसने अधिक पैसे की पेशकश की थी। समूह हवाई अड्डे पर विक्रांत और प्रीति को प्राप्त करता है और होटल के लिए ड्राइव करता है। होटल में विक्रांत को चीनी गुंडों के एक रहस्यमय समूह द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। येदा अन्ना को एक फ़ोन कॉल आता है और पता चलता है कि अपहृत विक्रांत असली या डुप्लीकेट था और असली वाला बाद में विमान से आने वाला था। वे दूसरे विक्रांत को मार डालते हैं और उसके शव को ब्रुकलिन ब्रिज के पास एक कार में डाल देते हैं। विक्रांत की मृत्यु के साथ प्रीति और गुरु प्रत्येक को आधे हीरे मिलते हैं। जब वे बैंक के बाहर होते हैं तो पुलिसकर्मियों का एक समूह ने गिरफ्तार कर लेता है और एक अज्ञात रेगिस्तानी इलाके में ले जाता है। यह पता चलता है कि विक्रांत अभी भी जीवित है और पहले विक्रांत को चीनी गुंडों ने अपहरण कर लिया था। विक्रांत को हीरे मिलते हैं और वह गुरु को मारने की कोशिश करता है। एक लड़ाई होती है। लड़ाई के अंत में गुरु विक्रांत को मार देता है। जब यह सब खत्म हो जाता है तो वे एक दूसरे से यह पता लगाने के लिए कहते हैं कि हीरे किसके पास हैं। अनमोल के पास हैं और कहता है कि अगर वह प्रीति को तलाक देता है तो वह उन्हें गुरु को दे देगा। गुरु अनमोल द्वारा चुनी गई लोकेशन पर पहुँचता है और अनमोल को तलाक के कागजात देते हुए हीरे ले आता है। येदा अन्ना ने गुरु को डबल क्रॉस किया और हीरे चुराने की कोशिश की। गुरु एक लड़ाई में जीत जाता है और येदा गुरु को हीरे देता है, जबकि उसे एक बार में लटका कर छोटा छतरी के कंधों पर खड़ा कर देता है। आखिर में अनमोल और उसका प्यार प्रीति भारत जाते नज़र आते हैं। अनमोल के पूर्व ससुर उसे कुछ हीरे देते हैं जो उसे गुरु से मिले थे। प्रीति टिप्पणी करती है कि वह नहीं जानती थी कि गुरु बहुत अच्छे थे। फेंकना येदा अन्ना के रूप में सुनील शेट्टी, गुरु गुलाब खत्री के रूप में अक्षय कुमार, डॉक्टर अनमोल आचार्य के रूप में आफ्ताब शिवदासानी, मणिलाल पटेल अनमोल के पूर्व ससुर परमजीत के पति और मोना के पिता के रूप में परेश रावल, छोटा छतरी के रूप में जॉनी लीवर, एक हकलाने वाला गुंडा जो येदा अन्ना के लिए काम कर रहा है, टीना चिप्पा अनमोल की सचिव के रूप में आरती छावड़िया जो बाद में गुरु गुलाब खत्री से शादी करती है, प्रीति जंगियानी प्रीति आचार्य पहले खत्री, नी प्रसाद बलदेव की बेटी, विक्रांत की बहन, गुरु गुलाब की पूर्व पत्नी और अनमोल की पत्नी के रूप में वह गुरु गुलाब और विक्रांत के बीच की लड़ाई को ख़त्म करना चाहती है लेकिन उसकी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। मोना पटेल मणिलाल और परमजीत की बेटी, अनमोल की पूर्व पत्नी के रूप में अमृता अरोड़ा जो लगातार उन पर हावी रहती है, विक्रांत प्रसाद के रूप में राहुल देव, बलदेव के पुत्र, प्रीति के भाई गुरु, गुलाब के पूर्व साले। वह अपनी विरासत का दावा करने के लिए गुलाब गुरु गुलाब को मारने की कोशिश कर रहा है।
परमजीत पटेल मणिलाल की पत्नी अनमोल की पूर्व सास मोना की मां के रूप में सुप्रिया पिलगांवकर, वह लगातार अनमोल और मणिलाल पर हावी रहती है। डॉन बाबा बलदेव प्रसाद के रूप में ओमपुरी कैमियो असरानी, चंपक लाल के रूप में बलदेव की नम्र वकील कैमियो। गीत संगीत, एल्बम का संगीत अनु मलिक ने दिया है, सभी गीत समीर द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर एक आवारा पागल दीवाना, इस गाने को शान और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो जिस हसन रोना, इस गाने को उदित नारायण, सोनू निगम, शान, अलका याग्निक, सुनिधि चौहान और सारिका कपूर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन प्रेम धुन। गाना नंबर चार मैंने तो खाई कसम, इस गाने के गायकार सुनिधि चौहान और अभिजीत हैं। गाना नंबर पाँच मोर सांवरिया, इस गाने के गायकार सुनिधि चौहान, शान और अनु मलिक हैं। गाना नंबर छः या हबीबी, इस गाने के गायकार अदनान सामी और शब्बीर कुमार और सुनिधि चौहान हैं। गाना नंबर सात ये तूने क्या किया, फिल्म में इस्तेमाल नहीं किया गया, इस गाने के गायकार सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको आवारा पागल दीवाना मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। आवारा पागल दीवाना, आवारा पागल दीवाना अंग्रेजी वे वार्ड क्रेजी इनसेन, विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का संगीत अनु मलिक ने दिया था और गीत समीर ने। इसमें पूरी तरह से द होल नाइन यार्ड से प्रेरित एक प्लॉट है और ईस्टर्न निर्देशक डायन लैम द्वारा कोरियोग्राफ किए गए एक्शन दृश्यों को पेश करता है, जिन्होंने द मैट्रिक्स और हांगकांग की एक्शन फिल्मों में काम किया था। यह अक्षय कुमार द्वारा भव्य और आकर्षक गीत चित्रांकन स्टंट एक्शन दृश्यों के लिए उल्लेखनीय था और जॉनी लीवर के साथ परेश रावल की लोकप्रिय हास्यपूर्ण केमिस्ट्री, जिन्होंने छोटा छतरी नामक एक मज़ेदार किरदार निभाया। दीवाने हुए पागल नामक एक सीक्वल 2005 में जारी किया गया था। निर्देशक विक्रम भट्ट द्वारा लिखित नीरज बोरा संवाद, कहानी द्वारा मंगेश कुलकर्णी, आनंद वर्धन द्वारा निर्मित ए जी नाडियाडवाला, फिरोज ए नाडियाडवाला अभिनीत, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, आफ्ताब शिवदासानी, परेश रावल, प्रीति झिंगियानी, आरती छावड़िया, अमृता अरोड़ा, छायांकन प्रवीण भट्ट द्वारा संपादित अमित सक्सेना, संगीत दिया है अनु मलिक। फ्रेकोवाज स्कोर प्रोडक्शन कंपनी बेस इंडस्ट्रीज ग्रुप द्वारा वितरित शेमारू एंटरटेनमेंट पेन इंडिया लिमिटेड। रिलीज की तारीख 20 जून 2002। कार्यकारी समय 164 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। भूखंड, कहानी एक मृत भारतीय अंडरवर्ल्ड डॉन बाबा बलदेव प्रसाद की विरासत पर केंद्रित है, जिनकी दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाती है। वह अपने बेटे विक्रांत, अपनी बेटी प्रीति और प्रीति के पति गुरु गुलाब खत्री के बीच समान रूप से वितरित करने के लिए न्यूयॉर्क बैंक में $200 मिलियन के हीरे छोड़ देता है। हीरो का दबाव करने के लिए तीनों लाभार्थियों को बैंक में उपस्थित होना चाहिए या यदि मृत्यु हो तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। डॉन की मौत के कुछ समय बाद विक्रांत टेलीविज़न के पूर्ण दृश्य में भारतीय गृह मंत्री की हत्या करके गुरु को ख़त्म करने का प्रयास करता है। कैमरे उसके वेश में अभियोजन से बचने के लिए गुरु किसी और के वेश में अमेरिका भाग जाता है। गुरु उस गली में जाता है जहां अनमोल और उसका परिवार रहता है। अनमोल उसे खबर से पहचान लेता है। उसकी सास उसे विक्रांत को गुरु के बारे में बताने और इनाम पाने के लिए अपने ससुर मणिलाल के साथ भारत जाने के लिए मजबूर करती है, लेकिन सब कुछ गलत हो जाता है जब विक्रांत इनाम नहीं देता है और इसके बजाय अनमोल और मणिलाल को अपने किराए के पुरुषों येदा अन्ना और छोटा छतरी के साथ गुरु को मारने के लिए वापस अमेरिका भेजता है।
बाद में उन्हें पता चला कि येदारना एक डबल एजेंट था। वह पूरे समय गुरु के लिए काम कर रहा था क्योंकि उसने अधिक पैसे की पेशकश की थी। समूह हवाई अड्डे पर विक्रांत और प्रीति को प्राप्त करता है और होटल के लिए ड्राइव करता है। होटल में विक्रांत को चीनी गुंडों के एक रहस्यमय समूह द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। येदारना को एक फ़ोन कॉल आता है और पता चलता है कि अपहृत विक्रांत असली या डुप्लीकेट था और असली वाला बाद में विमान से आने वाला था। वे दूसरे विक्रांत को मार डालते हैं और उसके शव को ब्रुकलिन ब्रिज के पास एक कार में डाल देते हैं। विक्रांत की मृत्यु के साथ प्रीति और गुरु प्रत्येक को आधे हीरे मिलते हैं। जब वे बैंक के बाहर होते हैं तो पुलिसकर्मियों का एक समूह उन्हें गिरफ्तार कर लेता है और एक अज्ञात रेगिस्तानी इलाके में ले जाता है। यह पता चलता है कि विक्रांत अभी भी जीवित है और पहले विक्रांत को चीनी गुंडों ने अपहरण कर लिया था। विक्रांत को हीरे मिलते हैं और वह गुरु को मारने की कोशिश करता है। एक लड़ाई होती है। लड़ाई के अंत में गुरु विक्रांत को मार देता है। जब यह सब खत्म हो जाता है तो वे एक दूसरे से यह पता लगाने के लिए कहते हैं कि हीरे किसके पास हैं। अनमोल के पास हैं और कहता है कि अगर वह प्रीति को तलाक देता है तो वह उन्हें गुरु को दे देगा। गुरु अनमोल द्वारा चुनी गई लोकेशन पर पहुँचता है और अनमोल को तलाक के कागजात देते हुए हीरे ले आता है। येदारना ने गुरु को डबल क्रॉस किया और हीरे चुराने की कोशिश की। गुरु एक लड़ाई में जीत जाता है और येदा गुरु को हीरे देता है जबकि उसे एक बार में लटका कर छोटा छतरी के कंधों पर खड़ा कर देता है। आखिर में अनमोल और उसका प्यार प्रीति भारत जाते नज़र आते हैं। अनमोल के पूर्व ससुर उसे कुछ हीरे देते हैं जो उसे गुरु से मिले थे। प्रीति टिप्पणी करती है कि वह नहीं जानती थी कि गुरु बहुत अच्छे थे। फेंकना येदारना के रूप में सुनील शेट्टी, गुरु गुलाब खत्री के रूप में अक्षय कुमार, डॉक्टर अनमोल आचार्य के रूप में आफ्ताब शिवदासानी, मणिलाल पटेल अनमोल के पूर्व ससुर परमजीत के पति और मोना के पिता के रूप में परेश रावल, छोटा छतरी के रूप में जॉनी लीवर, एक हकलाने वाला गुंडा जो येदारना के लिए काम कर रहा है, टीना चिप्पा अनमोल की सचिव के रूप में आरती चावड़िया जो बाद में गुरु गुलाब खत्री से शादी करती है, प्रीति जंगियानी प्रीति आचार्य पहले खत्री, नी प्रसाद बलदेव की बेटी, विक्रांत की बहन, गुरु गुलाब की पूर्व पत्नी और अनमोल की पत्नी के रूप में वह गुरु गुलाब और विक्रांत के बीच की लड़ाई को ख़त्म करना चाहती है लेकिन उसकी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। मोना पटेल मणिलाल और परमजीत की बेटी, अनमोल की पूर्व पत्नी के रूप में अमृता अरोड़ा जो लगातार उन पर हावी रहती है, विक्रांत प्रसाद के रूप में राहुल देव, बलदेव के पुत्र, प्रीति के भाई गुरु गुलाब के पूर्व साले, वह अपनी विरासत का दावा करने के लिए गुरु गुलाब को मारने की कोशिश कर रहा है, परमजीत पटेल मणिलाल की पत्नी अनमोल की पूर्व सास मोना की माँ के रूप में सुप्रिया पिलगांवकर, वह लगातार अनमोल और मणिलाल पर हावी रहती है, डॉन बाबा बलदेव प्रसाद के रूप में ओमपुरी कैमियो, असरानी चंपकलाल के रूप में बलदेव की नम्र वकील कैमियो, गीत संगीत एल्बम का संगीत अनु मलिक ने दिया है, सभी गीत समीर द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर एक आवारा पागल दीवाना, इस गाने को शान और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो जिस हसन रोना, इस गाने को उदित नारायण, सोनू निगम, शान, अलका याग्निक, सुनिधि चौहान और सारिका कपूर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन प्रेम धुन, गाना नंबर चार मैंने तो खाई कसम, इस गाने के गायकार सुनिधि चौहान और अभिजीत हैं। गाना नंबर पाँच मोर सांवरिया, इस गाने के गायकार सुनिधि चौहान, शान और अनु मलिक हैं। गाना नंबर छः या हबीबी, इस गाने के गायकार अदनान सामी और शब्बीर कुमार और सुनिधि चौहान हैं। गाना नंबर सात ये तूने क्या किया, फिल्म में इस्तेमाल नहीं किया गया, इस गाने के गायकार सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको आवारा पागल दीवाना मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को
आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। आवारा पागल दीवाना, आवारा पागल दीवाना अंग्रेजी वेवार्ड क्रेजी इनसेन विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का संगीत अनु मलिक ने दिया था और गीत समीर ने। इसमें पूरी तरह से द होल नाइन यार्ड से प्रेरित एक प्लॉट है और ईस्टर्न निर्देशक डायन लैम द्वारा कोरियोग्राफ किए गए एक्शन दृश्यों को पेश करता है, जिन्होंने द मैट्रिक्स और हांगकॉन्ग की एक्शन फिल्मों में काम किया था। यह अक्षय कुमार द्वारा भव्य और आकर्षक गीत चित्रांकन स्टंट एक्शन दृश्यों के लिए उल्लेखनीय था और जॉनी लीवर के साथ परेश रावल की लोकप्रिय हास्यपूर्ण केमिस्ट्री, जिन्होंने छोटा छतरी नामक एक मज़ेदार किरदार निभाया। दीवाने हुए पागल नामक एक सीक्वल 2005 में जारी किया गया था। निर्देशक विक्रम भट्ट द्वारा लिखित नीरज बोरा संवाद, कहानी द्वारा मंगेश कुलकर्णी, आनंद वर्धन द्वारा निर्मित ए जी नाडियाडवाला, फिरोज ए नाडियाडवाला अभिनीत, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, आफ्ताब शिवदासानी, परेश रावल, प्रीति झिंगियानी, आरती छावड़िया, अमृता अरोड़ा, छायांकन प्रवीण भट्ट द्वारा संपादित अमित सक्सेना, संगीत दिया है अनु मलिक, फ्रेकोबाज स्कोर प्रोडक्शन कंपनी बेस इंडस्ट्रीज ग्रुप द्वारा वितरित शेमारू इंटरटेनमेंट पेन इंडिया लिमिटेड। रिलीज की तारीख 20 जून 2002। कार्यकारी समय 164 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। भूखंड, कहानी एक मृत भारतीय अंडरवर्ल्ड डॉन बाबा बलदेव प्रसाद की विरासत पर केंद्रित है, जिनकी दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाती है। वह अपने बेटे विक्रांत, अपनी बेटी प्रीति और प्रीति के पति गुरु गुलाब खत्री के बीच समान रूप से वितरित करने के लिए न्यूयॉर्क बैंक में $200 मिलियन के हीरे छोड़ देता है। हीरो का दबाव करने के लिए तीनों लाभार्थियों को बैंक में उपस्थित होना चाहिए या यदि मृत हो तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। डॉन की मौत के कुछ समय बाद विक्रांत टेलीविज़न के पूर्ण दृश्य में भारतीय गृह मंत्री की हत्या करके गुरु को ख़त्म करने का प्रयास करता है। कैमरे उसके वेश में अभियोजन से बचने के लिए गुरु किसी और के वेश में अमेरिका भाग जाता है। गुरु उस गली में जाता है जहाँ अनमोल और उसका परिवार रहता है। अनमोल उसे खबर से पहचान लेता है। उसकी सास उसे विक्रांत को गुरु के बारे में बताने और इनाम पाने के लिए अपने ससुर मणिलाल के साथ भारत जाने के लिए मजबूर करती है, लेकिन सब कुछ गलत हो जाता है जब विक्रांत इनाम नहीं देता है और इसके बजाय अनमोल और मणिलाल को अपने किराए के पुरुषों येदा अन्ना और छोटा छतरी के साथ गुरु को मारने के लिए वापस अमेरिका भेजता है। बाद में उन्हें पता चला कि येदा अन्ना एक डबल एजेंट था। वह पूरे समय गुरु के लिए काम कर रहा था क्योंकि उसने अधिक पैसे की पेशकश की थी। समूह हवाई अड्डे पर विक्रांत और प्रीति को प्राप्त करता है और होटल के लिए ड्राइव करता है। होटल में विक्रांत को चीनी गुंडों के एक रहस्यमय समूह द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। येदा अन्ना को एक फ़ोन कॉल आता है और पता चलता है कि अपहृत विक्रांत असली या डुप्लीकेट था और असली वाला बाद में विमान से आने वाला था। वे दूसरे विक्रांत को मार डालते हैं और उसके शव को ब्रुकलिन ब्रिज के पास एक कार में डाल देते हैं। विक्रांत की मृत्यु के साथ प्रीति और गुरु प्रत्येक को आधे हीरे मिलते हैं। जब वे बैंक के बाहर होते हैं तो पुलिसकर्मियों का एक समूह ने गिरफ्तार कर लेता है और एक अज्ञात रेगिस्तानी इलाके में ले जाता है। यह पता चलता है कि विक्रांत अभी भी जीवित है और पहले विक्रांत को चीनी गुंडों ने अपहरण कर लिया था। विक्रांत को हीरे मिलते हैं और वह गुरु को मारने की कोशिश करता है। एक लड़ाई होती है। लड़ाई के अंत में गुरु विक्रांत को मार देता है। जब यह सब खत्म हो जाता है तो वे एक दूसरे से यह पता लगाने के लिए कहते हैं कि हीरे किसके पास हैं। अनमोल के पास हैं और कहता है कि अगर वह प्रीति को तलाक देता है तो वह उन्हें गुरु को दे देगा। गुरु अनमोल द्वारा चुनी गई लोकेशन पर पहुँचता है और अनमोल को तलाक के कागजात देते हुए हीरे ले आता है। येदा अन्ना ने गुरु को डबल क्रॉस किया और हीरे चुराने की कोशिश की। गुरु एक लड़ाई में जीत जाता है और येदा गुरु को हीरे देता है, जबकि उसे एक बार में लटका कर छोटा छतरी के कंधों पर खड़ा कर देता है। आखिर में अनमोल और उसका प्यार प्रीति भारत जाते नज़र आते हैं। अनमोल के पूर्व ससुर उसे कुछ हीरे देते हैं जो उसे गुरु से मिले थे।
प्रीति टिप्पणी करती है कि वह नहीं जानती थी कि गुरु बहुत अच्छे थे। फेंकना ऐदा अन्ना के रूप में सुनील शेट्टी, गुरु गुलाब खत्री के रूप में अक्षय कुमार, डॉक्टर अनमोल आचार्य के रूप में आफ्ताब शिवदासानी, मणिलाल पटेल अनमोल के पूर्व ससुर परमजीत के पति और मोना के पिता के रूप में परेश रावल, छोटा छतरी के रूप में जॉनी लीवर, एक हकलाने वाला गुंडा जो ऐदा अन्ना के लिए काम कर रहा है, टीना चिप्पा अनमोल की सचिव के रूप में आरती छावड़िया जो बाद में गुरु गुलाब खत्री से शादी करती है, प्रीति जंगियानी प्रीति आचार्य पहले खत्री, नी प्रसाद बलदेव की बेटी, विक्रांत की बहन, गुरु गुलाब की पूर्व पत्नी और अनमोल की पत्नी के रूप में वह गुरु गुलाब और विक्रांत के बीच की लड़ाई को ख़त्म करना चाहती है लेकिन उसकी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। मोना पटेल मणिलाल और परमजीत की बेटी अनमोल की पूर्व पत्नी के रूप में अमृता अरोड़ा जो लगातार उन पर हावी रहती है, विक्रांत प्रसाद के रूप में राहुल देव, बलदेव के पुत्र, प्रीति के भाई गुरु गुलाब के पूर्व साले, वह अपनी विरासत का दावा करने के लिए गुरु गुलाब को मारने की कोशिश कर रहा है, परमजीत पटेल मणिलाल की पत्नी अनमोल की पूर्व सास मोना की माँ के रूप में सुप्रिया पिलगांवकर, वह लगातार अनमोल और मणिलाल पर हावी रहती है, डॉन बाबा बलदेव प्रसाद के रूप में ओमपुरी, कैमियो असरानी चंपकलाल के रूप में बलदेव की नम्र वकील कैमियो, गीत संगीत एल्बम का संगीत अनु मलिक ने दिया है, सभी गीत समीर द्वारा लिखे गए हैं, गाना नंबर एक आवारा पागल दीवाना, इस गाने को शान और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है, गाना नंबर दो जिस हसन रोना, इस गाने को उदित नारायण सोनू निगम शान अलका याग्निक सुनिधि चौहान और सारिका कपूर ने अपनी आवाज़ में गाया है, गाना नंबर तीन प्रेम धुन, गाना नंबर चार मैंने तो खाई कसम, इस गाने के गायकार सुनिधि चौहान और अभिजीत हैं, गाना नंबर पाँच मोर सांवरिया, इस गाने के गायकार सुनिधि चौहान शान और अनु मलिक हैं, गाना नंबर छः या हबीबी, इस गाने के गायकार अदनान सामी और शब्बीर कुमार और सुनिधि चौहान हैं, गाना नंबर सात ये तूने क्या किया फिल्म में इस्तेमाल नहीं किया गया, इस गाने के गायकार सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको आवारा पागल दीवाना मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा, धन्यवाद। आवारा पागल दीवाना, आवारा पागल दीवाना अंग्रेजी वे वार्ड क्रेजी इनसेन विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का संगीत अनु मलिक ने दिया था और गीत समीर ने। इसमें पूरी तरह से द होल नाइन यार्ड से प्रेरित एक प्लॉट है और ईस्टर्न निर्देशक डायन लैम द्वारा कोरियोग्राफ किए गए एक्शन दृश्यों को पेश करता है, जिन्होंने द मैट्रिक्स और हांगकांग की एक्शन फिल्मों में काम किया था। यह अक्षय कुमार द्वारा भव्य और आकर्षक गीत चित्रांकन स्टंट एक्शन दृश्यों के लिए उल्लेखनीय था और जॉनी लीवर के साथ परेश रावल की लोकप्रिय हास्यपूर्ण केमिस्ट्री, जिन्होंने छोटा छतरी नामक एक मज़ेदार किरदार निभाया। दीवाने हुए पागल नामक एक सीक्वल 2005 में जारी किया गया था। निर्देशक विक्रम भट्ट द्वारा लिखित नीरज बोरा संवाद, कहानी द्वारा मंगेश कुलकर्णी, आनंद वर्धन द्वारा निर्मित ए जी नाडियाडवाला, फिरोज ए नाडियाडवाला अभिनीत, अक्षय कुमार सुनील शेट्टी आफ्ताब शिवदासानी परेश रावल प्रीति झिंगियानी आरती छावड़िया अमृता अरोड़ा, छायांकन प्रवीण भट्ट द्वारा संपादित अमित सक्सेना, संगीत दिया है अनु मलिक, फ्रेकोबाज स्कोर प्रोडक्शन कंपनी बेस इंडस्ट्रीज ग्रुप द्वारा वितरित शेमारू एंटरटेनमेंट पेन इंडिया लिमिटेड, रिलीज की तारीख 20 जून 2002, कार्यकारी समय 164 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी। भूखंड, कहानी एक मृत भारतीय अंडरवर्ल्ड डॉन बाबा बलदेव प्रसाद की विरासत पर केंद्रित है।
जिनकी दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाती है। वह अपने बेटे विक्रांत, अपनी बेटी प्रीति और प्रीति के पति गुरु गुलाब खत्री के बीच समान रूप से वितरित करने के लिए न्यूयॉर्क बैंक में $200 मिलियन के हीरे छोड़ देता है। हीरो का दबाव करने के लिए तीनों लाभार्थियों को बैंक में उपस्थित होना चाहिए या यदि मृत हो तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। डॉन की मौत के कुछ समय बाद विक्रांत टेलीविज़न के पूर्ण दृश्य में भारतीय गृह मंत्री की हत्या करके गुरु को ख़त्म करने का प्रयास करता है। कैमरे उसके वेश में अभियोजन से बचने के लिए गुरु किसी और के वेश में अमेरिका भाग जाता है। गुरु उस गली में जाता है जहाँ अनमोल और उसका परिवार रहता है। अनमोल उसे खबर से पहचान लेता है। उसकी सास उसे विक्रांत को गुरु के बारे में बताने और इनाम पाने के लिए अपने ससुर मणिलाल के साथ भारत जाने के लिए मजबूर करती है, लेकिन सब कुछ गलत हो जाता है जब विक्रांत इनाम नहीं देता है और इसके बजाय अनमोल और मणिलाल को अपने किराए के पुरुषों येदा अन्ना और छोटा छतरी के साथ गुरु को मारने के लिए वापस अमेरिका भेजता है। बाद में उन्हें पता चला कि येदा अन्ना एक डबल एजेंट था। वह पूरे समय गुरु के लिए काम कर रहा था क्योंकि उसने अधिक पैसे की पेशकश की थी। समूह हवाई अड्डे पर विक्रांत और प्रीति को प्राप्त करता है और होटल के लिए ड्राइव करता है। होटल में विक्रांत को चीनी गुंडों के एक रहस्यमय समूह द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। येदा अन्ना को एक फ़ोन कॉल आता है और पता चलता है कि अपहृत विक्रांत असली या डुप्लीकेट था और असली वाला बाद में विमान से आने वाला था। वे दूसरे विक्रांत को मार डालते हैं और उसके शव को ब्रुकलिन ब्रिज के पास एक कार में डाल देते हैं। विक्रांत की मृत्यु के साथ प्रीति और गुरु प्रत्येक को आधे हीरे मिलते हैं। जब वे बैंक के बाहर होते हैं तो पुलिसकर्मियों का एक समूह ने गिरफ्तार कर लेता है और एक अज्ञात रेगिस्तानी इलाके में ले जाता है। यह पता चलता है कि विक्रांत अभी भी जीवित है और पहले विक्रांत को चीनी गुंडों ने अपहरण कर लिया था। विक्रांत को हीरे मिलते हैं और वह गुरु को मारने की कोशिश करता है। एक लड़ाई होती है। लड़ाई के अंत में गुरु विक्रांत को मार देता है। जब यह सब खत्म हो जाता है तो वे एक दूसरे से यह पता लगाने के लिए कहते हैं कि हीरे किसके पास हैं। अनमोल के पास हैं और कहता है कि अगर वह प्रीति को तलाक देता है तो वह उन्हें गुरु को दे देगा। गुरु अनमोल द्वारा चुनी गई लोकेशन पर पहुँचता है और अनमोल को तलाक के कागजात देते हुए हीरे ले आता है। येदा अन्ना ने गुरु को डबल क्रॉस किया और हीरे चुराने की कोशिश की। गुरु एक लड़ाई में जीत जाता है और येदा गुरु को हीरे देता है, जबकि उसे एक बार में लटका कर छोटा छतरी के कंधों पर खड़ा कर देता है। आखिर में अनमोल और उसका प्यार प्रीति भारत जाते नज़र आते हैं। अनमोल के पूर्व ससुर उसे कुछ हीरे देते हैं जो उसे गुरु से मिले थे। प्रीति टिप्पणी करती है कि वह नहीं जानती थी कि गुरु बहुत अच्छे थे। फेंकना येदा अन्ना के रूप में सुनील शेट्टी, गुरु गुलाब खत्री के रूप में अक्षय कुमार, डॉक्टर अनमोल आचार्य के रूप में आफ्ताब शिवदासानी, मणिलाल पटेल अनमोल के पूर्व ससुर परमजीत के पति और मोना के पिता के रूप में परेश रावल, छोटा छतरी के रूप में जॉनी लीवर, एक हकलाने वाला गुंडा जो येदा अन्ना के लिए काम कर रहा है, टीना चिप्पा अनमोल की सचिव के रूप में आरती छावड़िया जो बाद में गुरु गुलाब खत्री से शादी करती है, प्रीति जंगियानी प्रीति आचार्य पहले खत्री, नी प्रसाद बलदेव की बेटी, विक्रांत की बहन, गुरु गुलाब की पूर्व पत्नी और अनमोल की पत्नी के रूप में वह गुरु गुलाब और विक्रांत के बीच की लड़ाई को ख़त्म करना चाहती है, लेकिन उसकी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। मोना पटेल मणिलाल और परमजीत की बेटी, अनमोल की पूर्व पत्नी के रूप में अमृता अरोड़ा जो लगातार उन पर हावी रहती है, विक्रांत प्रसाद के रूप में राहुल देव, बलदेव के पुत्र, प्रीति के भाई गुरु गुलाब के पूर्व साले, वह अपनी विरासत का दावा करने के लिए गुरु गुलाब को मारने की कोशिश कर रहा है, परमजीत पटेल मणिलाल की पत्नी अनमोल की पूर्व सास मोना की मां के रूप में सुप्रिया पिलगांवकर, वह लगातार अनमोल और मणिलाल पर हावी रहती है, डॉन बाबा बलदेव प्रसाद के रूप में ओमपुरी, कैमियो असरानी चंपक लाल के रूप में बलदेव की नम्र वकील कैमियो, गीत संगीत एल्बम का संगीत अनु मलिक ने दिया है, सभी गीत समीर द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर एक आवारा पागल दीवाना, इस गाने को शान और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो जिस हसन रोना, इस गाने को उदित नारायण, सोनू निगम, शान, अलका याग्निक,
सुनिधि चौहान और सारिका कपूर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 प्रेम धुन। गाना नंबर 4 मैंने तो खाई कसम। इस गाने के गायकार सुनिधि चौहान और अभिजीत हैं। गाना नंबर 5 मोर सांवरिया। इस गाने के गायकार सुनिधि चौहान, शान और अनु मलिक हैं। गाना नंबर 6 या हबीबी। इस गाने के गायकार अदनान सामी और शब्बीर कुमार और सुनिधि चौहान हैं। गाना नंबर 7 ये तूने क्या किया फिल्म में इस्तेमाल नहीं किया गया। इस गाने के गायकार सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको आवारा पागल दीवाना मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। आवारा पागल दीवाना। आवारा पागल दीवाना अंग्रेजी बेवार्ड क्रेजी इंसेन विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का संगीत अनु मलिक ने दिया था और गीत समीर ने। इसमें पूरी तरह से द होल नाइन यार्ड से प्रेरित एक प्लॉट है और स्टंट निर्देशक डायन लैम द्वारा कोरियोग्राफ किए गए एक्शन दृश्यों को पेश करता है, जिन्होंने द मैट्रिक्स और हांगकांग की एक्शन फिल्मों में काम किया था। यह अक्षय कुमार द्वारा भव्य और आकर्षक गीत चित्रांकन स्टंट एक्शन दृश्यों के लिए उल्लेखनीय था और जॉनी लीवर के साथ परेश रावल की लोकप्रिय हास्यपूर्ण केमिस्ट्री, जिन्होंने छोटा छतरी नामक एक मज़ेदार किरदार निभाया। दीवाने हुए पागल नामक एक सीक्वल 2005 में जारी किया गया था। निर्देशक विक्रम भट्ट द्वारा लिखित नीरज बोरा संवाद, कहानी द्वारा मंगेश कुलकर्णी, आनंद वर्धन द्वारा निर्मित ए जी नाडियाडवाला, फिरोज ए नाडियाडवाला अभिनीत, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, आफ्ताब शिवदासानी, परेश रावल, प्रीति झिंगियानी, आरती छावड़िया, अमृता अरोड़ा, छायांकन प्रवीण भट्ट द्वारा संपादित अमित सक्सेना, संगीत दिया है अनु मलिक, फ्रेको बाज स्कोर, प्रोडक्शन कंपनी बेस इंडस्ट्रीज ग्रुप द्वारा वितरित शेमारू इंटरटेनमेंट पेन इंडिया लिमिटेड, रिलीज की तारीख 20 जून 2002, कार्यकारी समय 164 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी। भूखंड। कहानी एक मृत भारतीय अंडरवर्ल्ड डॉन बाबा बलदेव प्रसाद की विरासत पर केंद्रित है, जिनकी दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाती है। वह अपने बेटे विक्रांत, अपनी बेटी प्रीति और प्रीति के पति गुरु गुलाब खत्री के बीच समान रूप से वितरित करने के लिए न्यूयॉर्क बैंक में $200 मिलियन के हीरे छोड़ देता है। हीरो का दबाव करने के लिए तीनों लाभार्थियों को बैंक में उपस्थित होना चाहिए या यदि मृत हो तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। डॉन की मौत के कुछ समय बाद विक्रांत टेलीविज़न के पूर्ण दृश्य में भारतीय गृह मंत्री की हत्या करके गुरु को ख़त्म करने का प्रयास करता है। कैमरे उसके वेश में अभियोजन से बचने के लिए गुरु किसी और के वेश में अमेरिका भाग जाता है। गुरु उस गली में जाता है जहां अनमोल और उसका परिवार रहता है। अनमोल उसे खबर से पहचान लेता है। उसकी सास उसे विक्रांत को गुरु के बारे में बताने और इनाम पाने के लिए अपने ससुर मणिलाल के साथ भारत जाने के लिए मजबूर करती है, लेकिन सब कुछ गलत हो जाता है जब विक्रांत इनाम नहीं देता है और इसके बजाय अनमोल और मणिलाल को अपने किराए के पुरुषों येदा अन्ना और छोटा छतरी के साथ गुरु को मारने के लिए वापस अमेरिका भेजता है। बाद में उन्हें पता चला कि येदा अन्ना एक डबल एजेंट था। वह पूरे समय गुरु के लिए काम कर रहा था क्योंकि उसने अधिक पैसे की पेशकश की थी। समूह हवाई अड्डे पर विक्रांत और प्रीति को प्राप्त करता है और होटल के लिए ड्राइव करता है। होटल में विक्रांत को चीनी गुंडों के एक रहस्यमय समूह द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। येदा अन्ना को एक फ़ोन कॉल आता है और पता चलता है कि अपहृत विक्रांत असली या डुप्लीकेट था और असली वाला बाद में विमान से आने वाला था। वे दूसरे विक्रांत को मार डालते हैं और उसके शव को ब्रुकलिन ब्रिज के पास एक कार में डाल देते हैं।
विक्रांत की मृत्यु के साथ प्रीति और गुरु प्रत्येक को आधे हीरे मिलते हैं। जब वे बैंक के बाहर होते हैं तो पुलिसकर्मियों का एक समूह उन्हें गिरफ्तार कर लेता है और एक अज्ञात रेगिस्तानी इलाके में ले जाता है। यह पता चलता है कि विक्रांत अभी भी जीवित है और पहले विक्रांत को चीनी गुंडों ने अपहरण कर लिया था। विक्रांत को हीरे मिलते हैं और वह गुरु को मारने की कोशिश करता है। एक लड़ाई होती है, लड़ाई के अंत में गुरु विक्रांत को मार देता है। जब यह सब ख़त्म हो जाता है तो वे एक दूसरे से यह पता लगाने के लिए कहते हैं कि हीरे किसके पास हैं। अनमोल के पास हैं और कहता है कि अगर वह प्रीति को तलाक देता है तो वह उन्हें गुरु को दे देगा। गुरु अनमोल द्वारा चुनी गई लोकेशन पर पहुँचता है और अनमोल को तलाक के कागजात देते हुए हीरे ले आता है। एदा अन्ना ने गुरु को डबल क्रॉस किया और हीरे चुराने की कोशिश की। गुरु एक लड़ाई में जीत जाता है और एदा गुरु को हीरे देता है, जबकि उसे एक बार में लटका कर छोटा छतरी के कंधों पर खड़ा कर देता है। आखिर में अनमोल और उसका प्यार प्रीति भारत जाते नज़र आते हैं। अनमोल के पूर्व ससुर उसे कुछ हीरे देते हैं जो उसे गुरु से मिले थे। प्रीति टिप्पणी करती है कि वह नहीं जानती थी कि गुरु बहुत अच्छे थे। फेंकना एदा अन्ना के रूप में सुनील शेट्टी, गुरु गुलाब खत्री के रूप में अक्षय कुमार, डॉक्टर अनमोल आचार्य के रूप में आफ्ताब शिवदासानी, मणिलाल पटेल अनमोल के पूर्व ससुर परमजीत के पति और मोना के पिता के रूप में परेश रावल, छोटा छतरी के रूप में जॉनी लीवर, एक हकलाने वाला गुंडा जो एदा अन्ना के लिए काम कर रहा है, टीना चिप्पा अनमोल की सचिव के रूप में आरती छावड़िया जो बाद में गुरु गुलाब खत्री से शादी करती है, प्रीति जंगियानी, प्रीति आचार्य पहले खत्री, नी प्रसाद बलदेव की बेटी, विक्रांत की बहन, गुरु गुलाब की पूर्व पत्नी और अनमोल की पत्नी के रूप में वह गुरु गुलाब और विक्रांत के बीच की लड़ाई को ख़त्म करना चाहती है लेकिन उसकी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। मोना पटेल मणिलाल और परमजीत की बेटी, अनमोल की पूर्व पत्नी के रूप में अमृता अरोड़ा जो लगातार उन पर हावी रहती है, विक्रांत प्रसाद के रूप में राहुल देव, बलदेव के पुत्र, प्रीति के भाई गुरु, गुलाब के पूर्व साले, वह अपनी विरासत का दावा करने के लिए गुरु गुलाब को मारने की कोशिश कर रहा है, परमजीत पटेल मणिलाल की पत्नी, अनमोल की पूर्व सास, मोना की माँ के रूप में सुप्रिया पिलगांवकर, वह लगातार अनमोल और मणिलाल पर हावी रहती है, डॉन बाबा बलदेव प्रसाद के रूप में ओमपुरी, कैमियो असरानी, चंपक लाल के रूप में बलदेव की नम्र वकील कैमियो, गीत संगीत एल्बम का संगीत अनु मलिक ने दिया है, सभी गीत समीर द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर एक आवारा पागल दीवाना, इस गाने को शान और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो जिस हसन रोना, इस गाने को उदित नारायण, सोनू निगम, शान, अलका याग्निक, सुनिधि चौहान और सारिका कपूर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन प्रेम धुन। गाना नंबर चार मैंने तो खाई कसम, इस गाने के गायिका सुनिधि चौहान और अभिजीत हैं। गाना नंबर पाँच मोर सांवरिया, इस गाने के गायिका सुनिधि चौहान, शान और अनु मलिक हैं। गाना नंबर छः या हबीबी, इस गाने के गायिका अदनान सामी और शब्बीर कुमार और सुनिधि चौहान हैं। गाना नंबर सात ये तूने क्या किया, फिल्म में इस्तेमाल नहीं किया गया, इस गाने के गायिका सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको आवारा पागल दीवाना मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। आवारा पागल दीवाना। आवारा पागल दीवाना अंग्रेजी बेवार्ड क्रेजी इंसेन विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का संगीत अनु मलिक ने दिया था और गीत समीर ने। इसमें पूरी तरह से द होल नाइन यार्ड से प्रेरित एक प्लॉट है और स्टंट निर्देशक डायन लैम द्वारा कोरियोग्राफ किए गए एक्शन दृश्यों को पेश करता है, जिन्होंने द मैट्रिक्स और हांगकांग की एक्शन फिल्मों में काम किया था।
यह अक्षय कुमार द्वारा भव्य और आकर्षक की चित्रांकन स्टंट एक्शन दृश्यों के लिए उल्लेखनीय था और जॉनी लीवर के साथ परेश रावल की लोकप्रिय हास्यपूर्ण केमिस्ट्री, जिन्होंने छोटा छतरी नामक एक मज़ेदार किरदार निभाया, दीवाने हुए पागल नामक एक सीक्वल 2005 में जारी किया गया था। निर्देशक विक्रम भट्ट द्वारा लिखित नीरज वोरा संवाद, कहानी द्वारा मंगेश कुलकर्णी, आनंद वर्धन द्वारा निर्मित ए जी नाडियाडवाला, फिरोज ए नाडियाडवाला अभिनीत, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, आफ्ताब शिवदासानी, परेश रावल, प्रीति झिंगियानी, आरती छावड़िया, अमृता अरोड़ा, छायांकन प्रवीण भट्ट द्वारा संपादित अमित सक्सेना, संगीत दिया है अनु मल्लिक, फ्रेकोबाज स्कोर, प्रोडक्शन कंपनी बेस इंडस्ट्रीज ग्रुप द्वारा वितरित शेमारू एंटरटेनमेंट पेन इंडिया लिमिटेड, रिलीज की तारीख 20 जून 2002, कार्यकारी समय 164 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी। भूखंड, कहानी एक मृत भारतीय अंडरवर्ल्ड डॉन बाबा बलदेव प्रसाद की विरासत पर केंद्रित है, जिनकी दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाती है। वह अपने बेटे विक्रांत, अपनी बेटी प्रीति और प्रीति के पति गुरु गुलाब खत्री के बीच समान रूप से वितरित करने के लिए न्यूयॉर्क बैंक में $200 मिलियन के हीरे छोड़ देता है। हीरो का दबाव करने के लिए तीनों लाभार्थियों को बैंक में उपस्थित होना चाहिए या यदि मृत्यु हो तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। डॉन की मौत के कुछ समय बाद विक्रांत टेलीविज़न के पूर्ण दृश्य में भारतीय गृह मंत्री की हत्या करके गुरु को ख़त्म करने का प्रयास करता है। कैमरे उसके वेश में अभियोजन से बचने के लिए गुरु किसी और के वेश में अमेरिका भाग जाता है। गुरु उस गली में जाता है जहां अनमोल और उसका परिवार रहता है। अनमोल उसे खबर से पहचान लेता है। उसकी सास उसे विक्रांत को गुरु के बारे में बताने और इनाम पाने के लिए अपने ससुर मणिलाल के साथ भारत जाने के लिए मजबूर करती है, लेकिन सब कुछ गलत हो जाता है जब विक्रांत इनाम नहीं देता है और इसके बजाय अनमोल और मणिलाल को अपने किराए के पुरुषों येदा अन्ना और छोटा छतरी के साथ गुरु को मारने के लिए वापस अमेरिका भेजता है। बाद में उन्हें पता चला कि येदा अन्ना एक डबल एजेंट था। वह पूरे समय गुरु के लिए काम कर रहा था क्योंकि उसने अधिक पैसे की पेशकश की थी। समूह हवाई अड्डे पर विक्रांत और प्रीति को प्राप्त करता है और होटल के लिए ड्राइव करता है। होटल में विक्रांत को चीनी गुंडों के एक रहस्यमय समूह द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। येदा अन्ना को एक फ़ोन कॉल आता है और पता चलता है कि अपहृत विक्रांत असली या डुप्लीकेट था और असली वाला बाद में विमान से आने वाला था। वे दूसरे विक्रांत को मार डालते हैं और उसके शव को ब्रुकलिन ब्रिज के पास एक कार में डाल देते हैं। विक्रांत की मृत्यु के साथ प्रीति और गुरु प्रत्येक को आधे हीरे मिलते हैं। जब वे बैंक के बाहर होते हैं तो पुलिसकर्मियों का एक समूह ने गिरफ्तार कर लेता है और एक अज्ञात रेगिस्तानी इलाके में ले जाता है। यह पता चलता है कि विक्रांत अभी भी जीवित है और पहले विक्रांत को चीनी गुंडों ने अपहरण कर लिया था। विक्रांत को हीरे मिलते हैं और वह गुरु को मारने की कोशिश करता है। एक लड़ाई होती है। लड़ाई के अंत में गुरु विक्रांत को मार देता है। जब यह सब खत्म हो जाता है तो वे एक दूसरे से यह पता लगाने के लिए कहते हैं कि हीरे किसके पास हैं। अनमोल के पास हैं और कहता है कि अगर वह प्रीति को तलाक देता है तो वह उन्हें गुरु को दे देगा। गुरु अनमोल द्वारा चुनी गई लोकेशन पर पहुंचता है और अनमोल को तलाक के कागजात देते हुए हीरे ले आता है। येदा अन्ना ने गुरु को डबल क्रॉस किया और हीरे चुराने की कोशिश की। गुरु एक लड़ाई में जीत जाता है और येदा गुरु को हीरे देता है, जबकि उसे एक बार में लटका कर छोटा छतरी के कंधों पर खड़ा कर देता है। आखिर में अनमोल और उसका प्यार प्रीति भारत जाते नज़र आते हैं। अनमोल के पूर्व ससुर उसे कुछ हीरे देते हैं जो उसे गुरु से मिले थे। प्रीति टिप्पणी करती है कि वह नहीं जानती थी कि गुरु बहुत अच्छे थे। फेंकना, येदा अन्ना के रूप में सुनील शेट्टी, गुरु गुलाब खत्री के रूप में अक्षय कुमार, डॉक्टर अनमोल आचार्य के रूप में आफ्ताब शिवदासानी, मणिलाल पटेल अनमोल के पूर्व ससुर परमजीत के पति और मोना के पिता के रूप में परेश रावल, छोटा छतरी के रूप में जॉनी लीवर, एक हकलाने वाला गुंडा जो येदा अन्ना के लिए काम कर रहा है, टीना चिप्पा अनमोल की सचिव के रूप में आरती छावड़िया जो बाद में गुरु गुलाब खत्री से शादी करती है, प्रीति जंगियानी प्रीति आचार्य पहले खत्री, नी प्रसाद बलदेव की बेटी, विक्रांत की बहन
गुरु गुलाब की पूर्व पत्नी और अनमोल की पत्नी के रूप में वह गुरु गुलाब और विक्रांत के बीच की लड़ाई को ख़त्म करना चाहती है, लेकिन उसकी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। मोना पटेल मणिलाल और परमजीत की बेटी अनमोल की पूर्व पत्नी के रूप में अमृता अरोड़ा जो लगातार उन पर हावी रहती है। विक्रांत प्रसाद के रूप में राहुल देव बलदेव के पुत्र प्रीति के भाई गुरु गुलाब के पूर्व साले, वह अपनी विरासत का दावा करने के लिए गुरु गुलाब को मारने की कोशिश कर रहा है। परमजीत पटेल मणिलाल की पत्नी अनमोल की पूर्व सास मोना की मां के रूप में सुप्रिया पिलगांवकर, वह लगातार अनमोल और मणिलाल पर हावी रहती है। डॉन बाबा बलदेव प्रसाद के रूप में ओमपुरी कैमियो असरानी, चंपक लाल के रूप में बलदेव की नम्र वकील कैमियो। गीत संगीत एल्बम का संगीत अनु मलिक ने दिया है। सभी गीत समीर द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर एक आवारा पागल दीवाना, इस गाने को शान और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो जिस हसन रोना, इस गाने को उदित नारायण सोनू निगम शान अलका याग्निक सुनिधि चौहान और सारिका कपूर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन प्रेम धुन। गाना नंबर चार मैंने तो खाई कसम, इस गाने के गायिका सुनिधि चौहान और अभिजीत हैं। गाना नंबर पाँच मोर सांवरिया, इस गाने के गायिका सुनिधि चौहान शान और अनु मलिक हैं। गाना नंबर छः या हबीबी, इस गाने के गायिका अदनान सामी और शब्बीर कुमार और सुनिधि चौहान हैं। गाना नंबर सात ये तूने क्या किया, फिल्म में इस्तेमाल नहीं किया गया, इस गाने के गायिका सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको आवारा पागल दीवाना मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। आवारा पागल दीवाना। आवारा पागल दीवाना अंग्रेजी बेवार्ड क्रेजी इंसेन विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का संगीत अनु मलिक ने दिया था और गीत समीर ने। इसमें पूरी तरह से द होल नाइन यार्ड से प्रेरित एक प्लॉट है और स्टंट निर्देशक डायन लैम द्वारा कोरियोग्राफ किए गए एक्शन दृश्यों को पेश करता है, जिन्होंने द मैट्रिक्स और हांगकांग की एक्शन फिल्मों में काम किया था। यह अक्षय कुमार द्वारा भव्य और आकर्षक गीत चित्रांकन स्टंट एक्शन दृश्यों के लिए उल्लेखनीय था और जॉनी लीवर के साथ परेश रावल की लोकप्रिय हास्यपूर्ण केमिस्ट्री, जिन्होंने छोटा छतरी नामक एक मज़ेदार किरदार निभाया। दीवाने हुए पागल नामक एक सीक्वल 2005 में जारी किया गया था। निर्देशक विक्रम भट्ट द्वारा लिखित नीरज वोरा संवाद, कहानी द्वारा मंगेश कुलकर्णी आनंद वर्धन द्वारा निर्मित ए जी नाडियाडवाला फिरोज ए नाडियाडवाला अभिनीत अक्षय कुमार सुनील शेट्टी आफ्ताब शिवदासानी परेश रावल प्रीति झिंगियानी आरती छावड़िया अमृता अरोड़ा छायांकन प्रवीण भट्ट द्वारा संपादित अमित सक्सेना संगीत दिया है अनु मलिक। फ्रेकोबाज स्कोर प्रोडक्शन कंपनी बेस इंडस्ट्रीज ग्रुप द्वारा वितरित शेमारू एंटरटेनमेंट पेन इंडिया लिमिटेड। रिलीज की तारीख 20 जून 2002। कार्यकारी समय 164 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। भूखंड। कहानी एक मृत भारतीय अंडरवर्ल्ड डॉन बाबा बलदेव प्रसाद की विरासत पर केंद्रित है, जिनकी दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाती है। वह अपने बेटे विक्रांत, अपनी बेटी प्रीति और प्रीति के पति गुरु गुलाब खत्री के बीच समान रूप से वितरित करने के लिए न्यूयॉर्क बैंक में $200 मिलियन के हीरे छोड़ देता है। हीरो का दबाव करने के लिए तीनों लाभार्थियों को बैंक में उपस्थित होना चाहिए या यदि मृत्यु हो तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। डॉन की मौत के कुछ समय बाद विक्रांत टेलीविज़न के पूर्ण दृश्य में भारतीय गृह मंत्री की हत्या करके गुरु को ख़त्म करने का प्रयास करता है। कैमरे उसके वेश में अभियोजन से बचने के लिए गुरु किसी और के वेश में
अमेरिका भाग जाता है। गुरु उस गली में जाता है जहाँ अनमोल और उसका परिवार रहता है। अनमोल उसे खबर से पहचान लेता है। उसकी सास उसे विक्रांत को गुरु के बारे में बताने और इनाम पाने के लिए अपने ससुर मणिलाल के साथ भारत जाने के लिए मजबूर करती है, लेकिन सब कुछ गलत हो जाता है जब विक्रांत इनाम नहीं देता है और इसके बजाय अनमोल और मणिलाल को अपने किराए के पुरुषों येदा अन्ना और छोटा छतरी के साथ गुरु को मारने के लिए वापस अमेरिका भेजता है। बाद में उन्हें पता चला कि येदा अन्ना एक डबल एजेंट था। वह पूरे समय गुरु के लिए काम कर रहा था क्योंकि उसने अधिक पैसे की पेशकश की थी। समूह हवाई अड्डे पर विक्रांत और प्रीति को प्राप्त करता है और होटल के लिए ड्राइव करता है। होटल में विक्रांत को चीनी गुंडों के एक रहस्यमय समूह द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। येदा अन्ना को एक फ़ोन कॉल आता है और पता चलता है कि अपहृत विक्रांत असली या डुप्लीकेट था और असली वाला बाद में विमान से आने वाला था। वे दूसरे विक्रांत को मार डालते हैं और उसके शव को ब्रुकलिन ब्रिज के पास एक कार में डाल देते हैं। विक्रांत की मृत्यु के साथ प्रीति और गुरु प्रत्येक को आधे हीरे मिलते हैं। जब वे बैंक के बाहर होते हैं तो पुलिसकर्मियों का एक समूह ने गिरफ्तार कर लेता है और एक अज्ञात रेगिस्तानी इलाके में ले जाता है। यह पता चलता है कि विक्रांत अभी भी जीवित है और पहले विक्रांत को चीनी गुंडों ने अपहरण कर लिया था। विक्रांत को हीरे मिलते हैं और वह गुरु को मारने की कोशिश करता है। एक लड़ाई होती है। लड़ाई के अंत में गुरु विक्रांत को मार देता है। जब यह सब खत्म हो जाता है तो वे एक दूसरे से यह पता लगाने के लिए कहते हैं कि हीरे किसके पास हैं। अनमोल के पास हैं और कहता है कि अगर वह प्रीति को तलाक देता है तो वह उन्हें गुरु को दे देगा। गुरु अनमोल द्वारा चुनी गई लोकेशन पर पहुंचता है और अनमोल को तलाक के कागजात देते हुए हीरे ले आता है। येदा अन्ना ने गुरु को डबल क्रॉस किया और हीरे चुराने की कोशिश की। गुरु एक लड़ाई में जीत जाता है और येदा गुरु को हीरे देता है, जबकि उसे एक बार में लटका कर छोटा छतरी के कंधों पर खड़ा कर देता है। आखिर में अनमोल और उसका प्यार प्रीति भारत जाते नज़र आते हैं। अनमोल के पूर्व ससुर उसे कुछ हीरे देते हैं जो उसे गुरु से मिले थे। प्रीति टिप्पणी करती है कि वह नहीं जानती थी कि गुरु बहुत अच्छे थे। फेंकना येदा अन्ना के रूप में सुनील शेट्टी, गुरु गुलाब खत्री के रूप में अक्षय कुमार, डॉक्टर अनमोल आचार्य के रूप में आफ्ताब शिवदासानी, मणिलाल पटेल अनमोल के पूर्व ससुर परमजीत के पति और मोना के पिता के रूप में परेश रावल, छोटा छतरी के रूप में जॉनी लीवर, एक हकलाने वाला गुंडा जो येदा अन्ना के लिए काम कर रहा है, टीना चिप्पा अनमोल की सचिव के रूप में, आरती छावड़िया जो बाद में गुरु गुलाब खत्री से शादी करती है, प्रीति जंगियानी, प्रीति आचार्य पहले खत्री, नी प्रसाद बलदेव की बेटी, विक्रांत की बहन, गुरु गुलाब की पूर्व पत्नी और अनमोल की पत्नी के रूप में वह गुरु गुलाब और विक्रांत के बीच की लड़ाई को ख़त्म करना चाहती है, लेकिन उसकी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। मोना पटेल मणिलाल और परमजीत की बेटी, अनमोल की पूर्व पत्नी के रूप में अमृता अरोड़ा जो लगातार उन पर हावी रहती है, विक्रांत प्रसाद के रूप में राहुल देव, बलदेव के पुत्र, प्रीति के भाई गुरु गुलाब के पूर्व साले, वह अपनी विरासत का दावा करने के लिए गुरु गुलाब को मारने की कोशिश कर रहा है, परमजीत पटेल मणिलाल की पत्नी अनमोल की पूर्व सास मोना की माँ के रूप में सुप्रिया पिलगांवकर, वह लगातार अनमोल और मणिलाल पर हावी रहती है, डॉन बाबा बलदेव प्रसाद के रूप में ओमपुरी कैमियो, असरानी चंपक लाल के रूप में बलदेव की नम्र वकील कैमियो, गीत संगीत एल्बम का संगीत अनु मलिक ने दिया है, सभी गीत समीर द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर एक आवारा पागल दीवाना, इस गाने को शान और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो जिस हसन रोना, इस गाने को उदित नारायण, सोनू निगम, शान, अलका याग्निक, सुनिधि चौहान और सारिका कपूर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन प्रेम धुन। गाना नंबर चार मैंने तो खाई कसम, इस गाने के गायिका सुनिधि चौहान और अभिजीत हैं। गाना नंबर पाँच मोर सांवरिया, इस गाने के गायिका सुनिधि चौहान, शान और अनु मलिक हैं। गाना नंबर छः या हबीबी, इस गाने के गायिका अदनान सामी और शब्बीर कुमार और सुनिधि चौहान हैं। गाना नंबर सात ये तूने क्या किया, फिल्म में इस्तेमाल नहीं किया गया, इस गाने के गायिका सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल हैं।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको आवारा पागल दीवाना मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। आवारा पागल दीवाना। आवारा पागल दीवाना अंग्रेजी वे वार्ड क्रेजी इंसेन विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का संगीत अनु मलिक ने दिया था और गीत समीर ने। इसमें पूरी तरह से द होल नाइन यार्ड से प्रेरित एक प्लॉट है और स्टंट निर्देशक डायन लैम द्वारा कोरियोग्राफ किए गए एक्शन दृश्यों को पेश करता है, जिन्होंने द मैट्रिक्स और हांगकांग की एक्शन फिल्मों में काम किया था। यह अक्षय कुमार द्वारा भव्य और आकर्षक गीत चित्रांकन स्टंट एक्शन दृश्यों के लिए उल्लेखनीय था और जॉनी लीवर के साथ परेश रावल की लोकप्रिय हास्यपूर्ण केमिस्ट्री, जिन्होंने छोटा छतरी नामक एक मज़ेदार किरदार निभाया। दीवाने हुए पागल नामक एक सीक्वल 2005 में जारी किया गया था। निर्देशक विक्रम भट्ट द्वारा लिखित नीरज बोरा संवाद, कहानी द्वारा मंगेश कुलकर्णी, आनंद वर्धन द्वारा निर्मित ए जी नाडियाडवाला, फिरोज ए नाडियाडवाला अभिनीत, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, आफ्ताब शिवदासानी, परेश रावल, प्रीति झिंगियानी, आरती छावड़िया, अमृता अरोड़ा, छायांकन प्रवीण भट्ट द्वारा संपादित अमित सक्सेना, संगीत दिया है अनु मलिक, फ्रेकोबाज स्कोर प्रोडक्शन कंपनी बेस इंडस्ट्रीज ग्रुप द्वारा वितरित शेमारू एंटरटेनमेंट पेन इंडिया लिमिटेड। रिलीज की तारीख 20 जून 2002। कार्यकारी समय 164 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। भूखंड। कहानी एक मृत भारतीय अंडरवर्ल्ड डॉन बाबा बलदेव प्रसाद की विरासत पर केंद्रित है, जिनकी दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाती है। वह अपने बेटे विक्रांत, अपनी बेटी प्रीति और प्रीति के पति गुरु गुलाब खत्री के बीच समान रूप से वितरित करने के लिए न्यूयॉर्क बैंक में $200 मिलियन के हीरे छोड़ देता है। हीरो का दबाव करने के लिए तीनों लाभार्थियों को बैंक में उपस्थित होना चाहिए या यदि मृत्यु हो तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। डॉन की मौत के कुछ समय बाद विक्रांत टेलीविज़न के पूर्ण दृश्य में भारतीय गृह मंत्री की हत्या करके गुरु को ख़त्म करने का प्रयास करता है। कैमरे उसके वेश में अभियोजन से बचने के लिए गुरु किसी और के वेश में अमेरिका भाग जाता है। गुरु उस गली में जाता है जहां अनमोल और उसका परिवार रहता है। अनमोल उसे खबर से पहचान लेता है। उसकी सास उसे विक्रांत को गुरु के बारे में बताने और इनाम पाने के लिए अपने ससुर मणिलाल के साथ भारत जाने के लिए मजबूर करती है, लेकिन सब कुछ गलत हो जाता है जब विक्रांत इनाम नहीं देता है और इसके बजाय अनमोल और मणिलाल को अपने किराए के पुरुषों येदा अन्ना और छोटा छतरी के साथ गुरु को मारने के लिए वापस अमेरिका भेजता है। बाद में उन्हें पता चला कि येदा अन्ना एक डबल एजेंट था। वह पूरे समय गुरु के लिए काम कर रहा था क्योंकि उसने अधिक पैसे की पेशकश की थी। समूह हवाई अड्डे पर विक्रांत और प्रीति को प्राप्त करता है और होटल के लिए ड्राइव करता है। होटल में विक्रांत को चीनी गुंडों के एक रहस्यमय समूह द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। येदा अन्ना को एक फ़ोन कॉल आता है और पता चलता है कि अपहृत विक्रांत असली या डुप्लीकेट था और असली वाला बाद में विमान से आने वाला था। वे दूसरे विक्रांत को मार डालते हैं और उसके शव को ब्रुकलिन ब्रिज के पास एक कार में डाल देते हैं। विक्रांत की मृत्यु के साथ प्रीति और गुरु प्रत्येक को आधे हीरे मिलते हैं। जब वे बैंक के बाहर होते हैं तो पुलिसकर्मियों का एक समूह ने गिरफ्तार कर लेता है और एक अज्ञात रेगिस्तानी इलाके में ले जाता है। यह पता चलता है कि विक्रांत अभी भी जीवित है और पहले विक्रांत को चीनी गुंडों ने अपहरण कर लिया था। विक्रांत को हीरे मिलते हैं और वह गुरु को मारने की कोशिश करता है। एक लड़ाई होती है। लड़ाई के अंत में गुरु विक्रांत को मार देता है। जब यह सब खत्म हो जाता है तो वे एक दूसरे से यह पता लगाने के लिए कहते हैं कि हीरे किसके पास हैं। अनमोल के पास हैं और कहता है कि अगर वह प्रीति को तलाक देता है तो वह उन्हें गुरु को दे देगा। गुरु अनमोल द्वारा चुनी गई लोकेशन पर पहुँचता है
और अनमोल को तलाक के कागजात देते हुए हीरे ले आता है। एदा अन्ना ने गुरु को डबल क्रॉस किया और हीरे चुराने की कोशिश की। गुरु एक लड़ाई में जीत जाता है और एदा गुरु को हीरे देता है, जबकि उसे एक बार में लटका कर छोटा छतरी के कंधों पर खड़ा कर देता है। आखिर में अनमोल और उसका प्यार प्रीति भारत जाते नज़र आते हैं। अनमोल के पूर्व ससुर उसे कुछ हीरे देते हैं जो उसे गुरु से मिले थे। प्रीति टिप्पणी करती है कि वह नहीं जानती थी कि गुरु बहुत अच्छे थे। फेंकना, एदा अन्ना के रूप में सुनील शेट्टी, गुरु गुलाब खत्री के रूप में अक्षय कुमार, डॉक्टर अनमोल आचार्य के रूप में आफ्ताब शिवदासानी, मणिलाल पटेल अनमोल के पूर्व ससुर परमजीत के पति और मोना के पिता के रूप में परेश रावल, छोटा छतरी के रूप में जॉनी लीवर, एक हकलाने वाला गुंडा जो एदा अन्ना के लिए काम कर रहा है, टीना चिप्पा अनमोल की सचिव के रूप में आरती चावड़िया जो बाद में गुरु गुलाब खत्री से शादी करती है, प्रीति जंगियानी, प्रीति आचार्य पहले खत्री, नी प्रसाद बलदेव की बेटी, विक्रांत की बहन, गुरु गुलाब की पूर्व पत्नी और अनमोल की पत्नी के रूप में वह गुरु गुलाब और विक्रांत के बीच की लड़ाई को ख़त्म करना चाहती है, लेकिन उसकी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। मोना पटेल मणिलाल और परमजीत की बेटी, अनमोल की पूर्व पत्नी के रूप में अमृता अरोड़ा जो लगातार उन पर हावी रहती है, विक्रांत प्रसाद के रूप में राहुल देव, बलदेव के पुत्र, प्रीति के भाई गुरु गुलाब के पूर्व साले, वह अपनी विरासत का दावा करने के लिए गुरु गुलाब को मारने की कोशिश कर रहा है, परमजीत पटेल मणिलाल की पत्नी अनमोल की पूर्व सास मोना की मां के रूप में सुप्रिया पिलगांवकर, वह लगातार अनमोल और मणिलाल पर हावी रहती है, डॉन बाबा बलदेव प्रसाद के रूप में ओमपुरी कैमियो, असरानी चंपकलाल के रूप में बलदेव की नम्र वकील कैमियो। गीत संगीत, एल्बम का संगीत अनु मलिक ने दिया है, सभी गीत समीर द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर एक आवारा पागल दीवाना, इस गाने को शान और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो जिस हसन रोना, इस गाने को उदित नारायण, सोनू निगम, शान, अलका याग्निक, सुनिधि चौहान और सारिका कपूर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन प्रेम धुन। गाना नंबर चार मैंने तो खाई कसम, इस गाने के गायकार सुनिधि चौहान और अभिजीत हैं। गाना नंबर पाँच मोर सांवरिया, इस गाने के गायकार सुनिधि चौहान, शान और अनु मलिक हैं। गाना नंबर छः या हबीबी, इस गाने के गायकार अदनान सामी और शब्बीर कुमार और सुनिधि चौहान हैं। गाना नंबर सात ये तूने क्या किया, फिल्म में इस्तेमाल नहीं किया गया, इस गाने के गायकार सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको आवारा पागल दीवाना मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। आवारा पागल दीवाना, आवारा पागल दीवाना अंग्रेजी वे वार्ड क्रेजी इंसेन, विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का संगीत अनु मलिक ने दिया था और गीत समीर ने। इसमें पूरी तरह से द होल नाइन यार्ड से प्रेरित एक प्लॉट है और स्टंट निर्देशक डायन लैम द्वारा कोरियोग्राफ किए गए एक्शन दृश्यों को पेश करता है, जिन्होंने द मैट्रिक्स और हांगकांग की एक्शन फिल्मों में काम किया था। यह अक्षय कुमार द्वारा भव्य और आकर्षक गीत चित्रांकन स्टंट एक्शन दृश्यों के लिए उल्लेखनीय था और जॉनी लीवर के साथ परेश रावल की लोकप्रिय हास्यपूर्ण केमिस्ट्री, जिन्होंने छोटा छतरी नामक एक मज़ेदार किरदार निभाया। दीवाने हुए पागल नामक एक सीक्वल 2005 में जारी किया गया था। निर्देशक विक्रम भट्ट द्वारा लिखित नीरज बोरा संवाद, कहानी द्वारा मंगेश कुलकर्णी, आनंद वर्धन द्वारा निर्मित ए जी नाडियाडवाला, फिरोज ए नाडियाडवाला अभिनीत, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, आफ्ताब शिवदासानी, परेश रावल, प्रीति झिंगियानी, आरती छावड़िया, अमृता अरोड़ा, छायांकन प्रवीण भट्ट,
द्वारा संपादित अमित सक्सेना, संगीत दिया है अनु मलिक, फ्रेकोबाज स्कोर, प्रोडक्शन कंपनी बेस इंडस्ट्रीज ग्रुप द्वारा वितरित शेमारू एंटरटेनमेंट पेन इंडिया लिमिटेड, रिलीज की तारीख 20 जून 2002, कार्यकारी समय 164 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी। भूखंड, कहानी एक मृत भारतीय अंडरवर्ल्ड डॉन बाबा बलदेव प्रसाद की विरासत पर केंद्रित है, जिनकी दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाती है। वह अपने बेटे विक्रांत, अपनी बेटी प्रीति और प्रीति के पति गुरु गुलाब खत्री के बीच समान रूप से वितरित करने के लिए न्यूयॉर्क बैंक में $200 मिलियन के हीरे छोड़ देता है। हीरो का दबाव करने के लिए तीनों लाभार्थियों को बैंक में उपस्थित होना चाहिए या यदि मृत हो तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। डॉन की मौत के कुछ समय बाद विक्रांत टेलीविज़न के पूर्ण दृश्य में भारतीय गृह मंत्री की हत्या करके गुरु को ख़त्म करने का प्रयास करता है। कैमरे उसके वेश में अभियोजन से बचने के लिए गुरु किसी और के वेश में अमेरिका भाग जाता है। गुरु उस गली में जाता है जहां अनमोल और उसका परिवार रहता है। अनमोल उसे खबर से पहचान लेता है। उसकी सास उसे विक्रांत को गुरु के बारे में बताने और इनाम पाने के लिए अपने ससुर मणिलाल के साथ भारत जाने के लिए मजबूर करती है, लेकिन सब कुछ गलत हो जाता है जब विक्रांत इनाम नहीं देता है और इसके बजाय अनमोल और मणिलाल को अपने किराए के पुरुषों येदा, अन्ना और छोटा छतरी के साथ गुरु को मारने के लिए वापस अमेरिका भेजता है। बाद में उन्हें पता चला कि येदा अन्ना एक डबल एजेंट था। वह पूरे समय गुरु के लिए काम कर रहा था क्योंकि उसने अधिक पैसे की पेशकश की थी। समूह हवाई अड्डे पर विक्रांत और प्रीति को प्राप्त करता है और होटल के लिए ड्राइव करता है। होटल में विक्रांत को चीनी गुंडों के एक रहस्यमय समूह द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। येदा अन्ना को एक फ़ोन कॉल आता है और पता चलता है कि अपहृत विक्रांत असली या डुप्लीकेट था और असली वाला बाद में विमान से आने वाला था। वे दूसरे विक्रांत को मार डालते हैं और उसके शव को ब्रुकलिन ब्रिज के पास एक कार में डाल देते हैं। विक्रांत की मृत्यु के साथ प्रीति और गुरु प्रत्येक को आधे हीरे मिलते हैं। जब वे बैंक के बाहर होते हैं तो पुलिसकर्मियों का एक समूह ने गिरफ्तार कर लेता है और एक अज्ञात रेगिस्तानी इलाके में ले जाता है। यह पता चलता है कि विक्रांत अभी भी जीवित है और पहले विक्रांत को चीनी गुंडों ने अपहरण कर लिया था। विक्रांत को हीरे मिलते हैं और वह गुरु को मारने की कोशिश करता है। एक लड़ाई होती है। लड़ाई के अंत में गुरु विक्रांत को मार देता है। जब यह सब खत्म हो जाता है तो वे एक दूसरे से यह पता लगाने के लिए कहते हैं कि हीरे किसके पास हैं। अनमोल के पास हैं और कहता है कि अगर वह प्रीति को तलाक देता है तो वह उन्हें गुरु को दे देगा। गुरु अनमोल द्वारा चुनी गई लोकेशन पर पहुँचता है और अनमोल को तलाक के कागजात देते हुए हीरे ले आता है। येदा अन्ना ने गुरु को डबल क्रॉस किया और हीरे चुराने की कोशिश की। गुरु एक लड़ाई में जीत जाता है और येदा गुरु को हीरे देता है, जबकि उसे एक बार में लटका कर छोटा छतरी के कंधों पर खड़ा कर देता है। आखिर में अनमोल और उसका प्यार प्रीति भारत जाते नज़र आते हैं। अनमोल के पूर्व ससुर उसे कुछ हीरे देते हैं जो उसे गुरु से मिले थे। प्रीति टिप्पणी करती है कि वह नहीं जानती थी कि गुरु बहुत अच्छे थे। फेंकना, येदा अन्ना के रूप में सुनील शेट्टी, गुरु गुलाब खत्री के रूप में अक्षय कुमार, डॉक्टर अनमोल आचार्य के रूप में आफ्ताब शिवदासानी, मणिलाल पटेल अनमोल के पूर्व ससुर परमजीत के पति और मोना के पिता के रूप में परेश रावल, छोटा छतरी के रूप में जॉनी लीवर, एक हकलाने वाला गुंडा जो येदा अन्ना के लिए काम कर रहा है, टीना चिप्पा अनमोल की सचिव के रूप में आरती चावड़िया जो बाद में गुरु गुलाब खत्री से शादी करती है, प्रीति जंगियानी, प्रीति आचार्य पहले खत्री, नी प्रसाद बलदेव की बेटी, विक्रांत की बहन, गुरु गुलाब की पूर्व पत्नी और अनमोल की पत्नी के रूप में वह गुरु गुलाब और विक्रांत के बीच की लड़ाई को ख़त्म करना चाहती है, लेकिन उसकी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। मोना पटेल मणिलाल और परमजीत की बेटी, अनमोल की पूर्व पत्नी के रूप में अमृता अरोड़ा जो लगातार उन पर हावी रहती है, विक्रांत प्रसाद के रूप में राहुल देव, बलदेव के पुत्र, प्रीति के भाई गुरु गुलाब के पूर्व साले, वह अपनी विरासत का दावा करने के लिए गुरु गुलाब को मारने की कोशिश कर रहा है, परमजीत पटेल मणिलाल की पत्नी अनमोल की पूर्व सास मोना की मां के रूप में सुप्रिया पिलगांवकर, वह लगातार अनमोल और मणिलाल पर हावी रहती है, डॉन बाबा बलदेव प्रसाद के रूप में ओमपुरी, कैमियो असरानी, चंपक लाल के रूप में बलदेव की
नम्र वकील कैमियो, गीत संगीत एल्बम का संगीत अनु मलिक ने दिया है, सभी गीत समीर द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर एक आवारा पागल दीवाना, इस गाने को शान और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो जिस हसन रोना, इस गाने को उदित नारायण, सोनू निगम, शान, अलका याग्निक, सुनिधि चौहान और सारिका कपूर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन प्रेम धुन, गाना नंबर चार मैंने तो खाई कसम, इस गाने के गायकार सुनिधि चौहान और अभिजीत हैं। गाना नंबर पाँच मोर सांवरिया, इस गाने के गायकार सुनिधि चौहान, शान और अनु मलिक हैं। गाना नंबर छः या हबीबी, इस गाने के गायकार अदनान सामी और शब्बीर कुमार और सुनिधि चौहान हैं। गाना नंबर सात ये तूने क्या किया, फिल्म में इस्तेमाल नहीं किया गया, इस गाने के गायकार सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको आवारा पागल दीवाना मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। आवारा पागल दीवाना, आवारा पागल दीवाना अंग्रेजी वे वार्ड क्रेजी इंसेन, विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का संगीत अनु मलिक ने दिया था और गीत समीर ने। इसमें पूरी तरह से द होल नाइन यार्ड से प्रेरित एक प्लॉट है और ईस्टर्न निर्देशक डायन लैम द्वारा कोरियोग्राफ किए गए एक्शन दृश्यों को पेश करता है, जिन्होंने द मैट्रिक्स और हांगकांग की एक्शन फिल्मों में काम किया था। यह अक्षय कुमार द्वारा भव्य और आकर्षक गीत चित्रांकन स्टंट एक्शन दृश्यों के लिए उल्लेखनीय था और जॉनी लीवर के साथ परेश रावल की लोकप्रिय हास्यपूर्ण केमिस्ट्री, जिन्होंने छोटा छतरी नामक एक मज़ेदार किरदार निभाया। दीवाने हुए पागल नामक एक सीक्वल 2005 में जारी किया गया था। निर्देशक विक्रम भट्ट द्वारा लिखित नीरज बोरा संवाद, कहानी द्वारा मंगेश कुलकर्णी, आनंद वर्धन द्वारा निर्मित ए जी नाडियाडवाला, फिरोज ए नाडियाडवाला अभिनीत, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, आफ्ताब शिवदासानी, परेश रावल, प्रीति झिंगियानी, आरती छावड़िया, अमृता अरोड़ा, छायांकन प्रवीण भट्ट द्वारा संपादित अमित सक्सेना, संगीत दिया है अनु मलिक, फ्रेकोबाज स्कोर, प्रोडक्शन कंपनी बेस इंडस्ट्रीज ग्रुप द्वारा वितरित शेमारू इंटरटेनमेंट पेन इंडिया लिमिटेड, रिलीज की तारीख 20 जून 2002, कार्यकारी समय 164 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी। भूखंड, कहानी एक मृत भारतीय अंडरवर्ल्ड डॉन बाबा बलदेव प्रसाद की विरासत पर केंद्रित है, जिनकी दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाती है। वह अपने बेटे विक्रांत, अपनी बेटी प्रीति और प्रीति के पति गुरु गुलाब खत्री के बीच समान रूप से वितरित करने के लिए न्यूयॉर्क बैंक में डॉलर 200 मिलियन के हीरे छोड़ देता है। हीरो का दबाव करने के लिए तीनों लाभार्थियों को बैंक में उपस्थित होना चाहिए या यदि मृत हो तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। डॉन की मौत के कुछ समय बाद विक्रांत टेलीविज़न के पूर्ण दृश्य में भारतीय गृह मंत्री की हत्या करके गुरु को ख़त्म करने का प्रयास करता है। कैमरे उसके वेश में अभियोजन से बचने के लिए गुरु किसी और के वेश में अमेरिका भाग जाता है। गुरु उस गली में जाता है जहां अनमोल और उसका परिवार रहता है। अनमोल उसे खबर से पहचान लेता है। उसकी सास उसे विक्रांत को गुरु के बारे में बताने और इनाम पाने के लिए अपने ससुर मणिलाल के साथ भारत जाने के लिए मजबूर करती है, लेकिन सब कुछ गलत हो जाता है जब विक्रांत इनाम नहीं देता है और इसके बजाय अनमोल और मणिलाल को अपने किराए के पुरुषों येदा अन्ना और छोटा छतरी के साथ गुरु को मारने के लिए वापस अमेरिका भेजता है। बाद में उन्हें पता चला कि येदा अन्ना एक डबल एजेंट था। वह पूरे समय गुरु के लिए काम कर रहा था क्योंकि उसने अधिक पैसे की पेशकश की थी। समूह हवाई अड्डे पर विक्रांत और प्रीति को प्राप्त करता है
और होटल के लिए ड्राइव करता है। होटल में विक्रांत को चीनी गुंडों के एक रहस्यमय समूह द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। एदा अन्ना को एक फ़ोन कॉल आता है और पता चलता है कि अपहृत विक्रांत असली या डुप्लीकेट था और असली वाला बाद में विमान से आने वाला था। वे दूसरे विक्रांत को मार डालते हैं और उसके शव को ब्रुकलिन ब्रिज के पास एक कार में डाल देते हैं। विक्रांत की मृत्यु के साथ प्रीति और गुरु प्रत्येक को आधे हीरे मिलते हैं। जब वे बैंक के बाहर होते हैं तो पुलिसकर्मियों का एक समूह ने गिरफ्तार कर लेता है और एक अज्ञात रेगिस्तानी इलाके में ले जाता है। यह पता चलता है कि विक्रांत अभी भी जीवित है और पहले विक्रांत को चीनी गुंडों ने अपहरण कर लिया था। विक्रांत को हीरे मिलते हैं और वह गुरु को मारने की कोशिश करता है। एक लड़ाई होती है। लड़ाई के अंत में गुरु विक्रांत को मार देता है। जब यह सब खत्म हो जाता है तो वे एक दूसरे से यह पता लगाने के लिए कहते हैं कि हीरे किसके पास हैं। अनमोल के पास हैं और कहता है कि अगर वह प्रीति को तलाक देता है तो वह उन्हें गुरु को दे देगा। गुरु अनमोल द्वारा चुनी गई लोकेशन पर पहुँचता है और अनमोल को तलाक के कागजात देते हुए हीरे ले आता है। एदा अन्ना ने गुरु को डबल क्रॉस किया और हीरे चुराने की कोशिश की। गुरु एक लड़ाई में जीत जाता है और एदा गुरु को हीरे देता है, जबकि उसे एक बार में लटका कर छोटा छतरी के कंधों पर खड़ा कर देता है। आखिर में अनमोल और उसका प्यार प्रीति भारत जाते नज़र आते हैं। अनमोल के पूर्व ससुर उसे कुछ हीरे देते हैं जो उसे गुरु से मिले थे। प्रीति टिप्पणी करती है कि वह नहीं जानती थी कि गुरु बहुत अच्छे थे। फेंकना एदा अन्ना के रूप में सुनील शेट्टी, गुरु गुलाब खत्री के रूप में अक्षय कुमार, डॉक्टर अनमोल आचार्य के रूप में आफ्ताब शिवदासानी, मणिलाल पटेल अनमोल के पूर्व ससुर परमजीत के पति और मोना के पिता के रूप में परेश रावल, छोटा छतरी के रूप में जॉनी लीवर, एक हकलाने वाला गुंडा जो एदा अन्ना के लिए काम कर रहा है, टीना चिप्पा अनमोल की सचिव के रूप में आरती चावड़िया जो बाद में गुरु गुलाब खत्री से शादी करती है, प्रीति जंगियानी प्रीति आचार्य पहले खत्री, नी प्रसाद बलदेव की बेटी, विक्रांत की बहन, गुरु गुलाब की पूर्व पत्नी और अनमोल की पत्नी के रूप में वह गुरु गुलाब और विक्रांत के बीच की लड़ाई को ख़त्म करना चाहती है, लेकिन उसकी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। मोना पटेल मणिलाल और परमजीत की बेटी, अनमोल की पूर्व पत्नी के रूप में अमृता अरोड़ा जो लगातार उन पर हावी रहती है, विक्रांत प्रसाद के रूप में राहुल देव, बलदेव के पुत्र, प्रीति के भाई गुरु गुलाब के पूर्व साले, वह अपनी विरासत का दावा करने के लिए गुरु गुलाब को मारने की कोशिश कर रहा है, परमजीत पटेल मणिलाल की पत्नी अनमोल की पूर्व सास मोना की माँ के रूप में सुप्रिया पिलगांवकर, वह लगातार अनमोल और मणिलाल पर हावी रहती है, डॉन बाबा बलदेव प्रसाद के रूप में ओमपुरी कैमियो असरानी, चंपक लाल के रूप में बलदेव की नम्र वकील कैमियो, गीत संगीत एल्बम का संगीत अनु मलिक ने दिया है, सभी गीत समीर द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर एक आवारा पागल दीवाना, इस गाने को शान और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो जिस हसन रोना, इस गाने को उदित नारायण, सोनू निगम, शान, अलका याग्निक, सुनिधि चौहान और सारिका कपूर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन प्रेम धुन, गाना नंबर चार मैंने तो खाई कसम, इस गाने के गायकार सुनिधि चौहान और अभिजीत हैं। गाना नंबर पाँच मोर सांवरिया, इस गाने के गायकार सुनिधि चौहान, शान और अनु मलिक हैं। गाना नंबर छः या हबीबी, इस गाने के गायकार अदनान सामी और शब्बीर कुमार और सुनिधि चौहान हैं। गाना नंबर सात ये तूने क्या किया, फिल्म में इस्तेमाल नहीं किया गया, इस गाने के गायकार सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको आवारा पागल दीवाना मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। आवारा पागल दीवाना, आवारा पागल दीवाना अंग्रेजी वे वार्ड क्रेजी।
इनसेन विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का संगीत अनु मलिक ने दिया था और गीत समीर ने। इसमें पूरी तरह से द होल नाइन यार्ड से प्रेरित एक प्लॉट है और स्टंट निर्देशक डायन लैम द्वारा कोरियोग्राफ किए गए एक्शन दृश्यों को पेश करता है जिन्होंने द मैट्रिक्स और हांगकांग की एक्शन फिल्मों में काम किया था। यह अक्षय कुमार द्वारा भव्य और आकर्षक गीत चित्रांकन स्टंट एक्शन दृश्यों के लिए उल्लेखनीय था और जॉनी लीवर के साथ परेश रावल की लोकप्रिय हास्यपूर्ण केमिस्ट्री जिन्होंने छोटा छतरी नामक एक मज़ेदार किरदार निभाया। दीवाने हुए पागल नामक एक सीक्वल 2005 में जारी किया गया था। निर्देशक विक्रम भट्ट द्वारा लिखित नीरज वोरा संवाद, कहानी द्वारा मंगेश कुलकर्णी, आनंद वर्धन द्वारा निर्मित ए जी नाडियाडवाला, फिरोज ए नाडियाडवाला अभिनीत, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, आफ्ताब शिवदासानी, परेश रावल, प्रीति झिंगियानी, आरती छावड़िया, अमृता अरोड़ा, छायांकन प्रवीण भट्ट द्वारा संपादित अमित सक्सेना, संगीत दिया है अनु मलिक, फ्रेको वाज स्कोर, प्रोडक्शन कंपनी बेस इंडस्ट्रीज ग्रुप द्वारा वितरित शेमारू एंटरटेनमेंट पेन इंडिया लिमिटेड, रिलीज की तारीख 20 जून 2002, कार्यकारी समय 164 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी। भूखंड, कहानी एक मृत भारतीय अंडरवर्ल्ड डॉन बाबा बलदेव प्रसाद की विरासत पर केंद्रित है जिनकी दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाती है। वह अपने बेटे विक्रांत, अपनी बेटी प्रीति और प्रीति के पति गुरु गुलाब खत्री के बीच समान रूप से वितरित करने के लिए न्यूयॉर्क बैंक में $200 मिलियन के हीरे छोड़ देता है। हीरो का दबाव करने के लिए तीनों लाभार्थियों को बैंक में उपस्थित होना चाहिए या यदि मृत हो तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। डॉन की मौत के कुछ समय बाद विक्रांत टेलीविज़न के पूर्ण दृश्य में भारतीय गृह मंत्री की हत्या करके गुरु को ख़त्म करने का प्रयास करता है। कैमरे उसके वेश में अभियोजन से बचने के लिए गुरु किसी और के वेश में अमेरिका भाग जाता है। गुरु उस गली में जाता है जहाँ अनमोल और उसका परिवार रहता है। अनमोल उसे खबर से पहचान लेता है। उसकी सास उसे विक्रांत को गुरु के बारे में बताने और इनाम पाने के लिए अपने ससुर मणिलाल के साथ भारत जाने के लिए मजबूर करती है, लेकिन सब कुछ गलत हो जाता है जब विक्रांत इनाम नहीं देता है और इसके बजाय अनमोल और मणिलाल को अपने किराए के पुरुषों येदा अन्ना और छोटा छतरी के साथ गुरु को मारने के लिए वापस अमेरिका भेजता है। बाद में उन्हें पता चला कि येदा अन्ना एक डबल एजेंट था। वह पूरे समय गुरु के लिए काम कर रहा था क्योंकि उसने अधिक पैसे की पेशकश की थी। समूह हवाई अड्डे पर विक्रांत और प्रीति को प्राप्त करता है और होटल के लिए ड्राइव करता है। होटल में विक्रांत को चीनी गुंडों के एक रहस्यमय समूह द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। येदा अन्ना को एक फ़ोन कॉल आता है और पता चलता है कि अपहृत विक्रांत असली या डुप्लीकेट था और असली वाला बाद में विमान से आने वाला था। वे दूसरे विक्रांत को मार डालते हैं और उसके शव को ब्रुकलिन ब्रिज के पास एक कार में डाल देते हैं। विक्रांत की मृत्यु के साथ प्रीति और गुरु प्रत्येक को आधे हीरे मिलते हैं। जब वे बैंक के बाहर होते हैं तो पुलिसकर्मियों का एक समूह ने गिरफ्तार कर लेता है और एक अज्ञात रेगिस्तानी इलाके में ले जाता है। यह पता चलता है कि विक्रांत अभी भी जीवित है और पहले विक्रांत को चीनी गुंडों ने अपहरण कर लिया था। विक्रांत को हीरे मिलते हैं और वह गुरु को मारने की कोशिश करता है। एक लड़ाई होती है। लड़ाई के अंत में गुरु विक्रांत को मार देता है। जब यह सब खत्म हो जाता है तो वे एक दूसरे से यह पता लगाने के लिए कहते हैं कि हीरे किसके पास हैं। अनमोल के पास हैं और कहता है कि अगर वह प्रीति को तलाक देता है तो वह उन्हें गुरु को दे देगा। गुरु अनमोल द्वारा चुनी गई लोकेशन पर पहुँचता है और अनमोल को तलाक के कागजात देते हुए हीरे ले आता है। येदा अन्ना ने गुरु को डबल क्रॉस किया और हीरे चुराने की कोशिश की। गुरु एक लड़ाई में जीत जाता है और येदा गुरु को हीरे देता है जबकि उसे एक बार में लटका कर छोटा छतरी के कंधों पर खड़ा कर देता है। आखिर में अनमोल और उसका प्यार प्रीति भारत जाते नज़र आते हैं। अनमोल के पूर्व ससुर उसे कुछ हीरे देते हैं जो उसे गुरु से मिले थे। प्रीति टिप्पणी करती है कि वह नहीं जानती थी कि गुरु बहुत अच्छे थे। फेंकना, येदा अन्ना के रूप में सुनील शेट्टी, गुरु गुलाब खत्री के रूप में अक्षय कुमार, डॉक्टर अनमोल आचार्य के रूप में आफ्ताब शिवदासानी,
मणिलाल पटेल अनमोल के पूर्व ससुर परमजीत के पति और मोना के पिता के रूप में परेश रावल, छोटा छतरी के रूप में जॉनी लीवर, एक हकलाने वाला गुंडा जो एदा अन्ना के लिए काम कर रहा है, टीना चिप्पा अनमोल की सचिव के रूप में आरती छावड़िया जो बाद में गुरु गुलाब खत्री से शादी करती है, प्रीति जंगियानी प्रीति आचार्य पहले खत्री, नी प्रसाद बलदेव की बेटी, विक्रांत की बहन, गुरु गुलाब की पूर्व पत्नी और अनमोल की पत्नी के रूप में वह गुरु गुलाब और विक्रांत के बीच की लड़ाई को ख़त्म करना चाहती है लेकिन उसकी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। मोना पटेल मणिलाल और परमजीत की बेटी अनमोल की पूर्व पत्नी के रूप में अमृता अरोड़ा जो लगातार उन पर हावी रहती है, विक्रांत प्रसाद के रूप में राहुल देव बलदेव के पुत्र, प्रीति के भाई गुरु गुलाब के पूर्व साले, वह अपनी विरासत का दावा करने के लिए गुरु गुलाब को मारने की कोशिश कर रहा है, परमजीत पटेल मणिलाल की पत्नी अनमोल की पूर्व सास मोना की मां के रूप में सुप्रिया पिलगांवकर, वह लगातार अनमोल और मणिलाल पर हावी रहती है, डॉन बाबा बलदेव प्रसाद के रूप में ओमपुरी कैमियो, असरानी चंपक लाल के रूप में बलदेव की नम्र वकील कैमियो, गीत संगीत एल्बम का संगीत अनु मलिक ने दिया है, सभी गीत समीर द्वारा लिखे गए हैं, गाना नंबर एक आवारा पागल दीवाना, इस गाने को शान और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है, गाना नंबर दो जिस हसन रोना, इस गाने को उदित नारायण सोनू निगम शान अलका याग्निक सुनिधि चौहान और सारिका कपूर ने अपनी आवाज़ में गाया है, गाना नंबर तीन प्रेम धुन, गाना नंबर चार मैंने तो खाई कसम, इस गाने के गायिका सुनिधि चौहान और अभिजीत हैं, गाना नंबर पाँच मोर सांवरिया, इस गाने के गायिका सुनिधि चौहान शान और अनु मलिक हैं, गाना नंबर छः या हबीबी, इस गाने के गायिका अदनान सामी और शब्बीर कुमार और सुनिधि चौहान हैं, गाना नंबर सात ये तूने क्या किया फिल्म में इस्तेमाल नहीं किया गया, इस गाने के गायिका सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको आवारा पागल दीवाना मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा, धन्यवाद। आवारा पागल दीवाना, आवारा पागल दीवाना अंग्रेजी वे वार्ड क्रेजी इंसेन विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का संगीत अनु मलिक ने दिया था और गीत समीर ने। इसमें पूरी तरह से द होल नाइन यार्ड से प्रेरित एक प्लॉट है और स्टंट निर्देशक डायन लैम द्वारा कोरियोग्राफ किए गए एक्शन दृश्यों को पेश करता है, जिन्होंने द मैट्रिक्स और हांगकांग की एक्शन फिल्मों में काम किया था। यह अक्षय कुमार द्वारा भव्य और आकर्षक गीत चित्रांकन स्टंट एक्शन दृश्यों के लिए उल्लेखनीय था और जॉनी लीवर के साथ परेश रावल की लोकप्रिय हास्यपूर्ण केमिस्ट्री, जिन्होंने छोटा छतरी नामक एक मज़ेदार किरदार निभाया। दीवाने हुए पागल नामक एक सीक्वल 2005 में जारी किया गया था। निर्देशक विक्रम भट्ट द्वारा लिखित नीरज वोरा संवाद, कहानी द्वारा मंगेश कुलकर्णी आनंद वर्धन द्वारा निर्मित ए जी नाडियाडवाला फिरोज ए नाडियाडवाला अभिनीत अक्षय कुमार सुनील शेट्टी आफ्ताब शिवदासानी परेश रावल प्रीति झिंगियानी आरती छावड़िया अमृता अरोड़ा छायांकन प्रवीण भट्ट द्वारा संपादित अमित सक्सेना संगीत दिया है अनु मलिक फ्रेकोबाज स्कोर प्रोडक्शन कंपनी बेस इंडस्ट्रीज ग्रुप द्वारा वितरित शेमारू एंटरटेनमेंट पेन इंडिया लिमिटेड रिलीज की तारीख 20 जून 2002 कार्यकारी समय 164 मिनट देश भारत भाषा हिंदी भूखंड कहानी एक मृत भारतीय अंडरवर्ल्ड डॉन बाबा बलदेव प्रसाद की विरासत पर केंद्रित है जिनकी दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाती है। वह अपने बेटे विक्रांत अपनी बेटी प्रीति और प्रीति के पति गुरु गुलाब खत्री के बीच समान रूप से वितरित करने के लिए न्यूयॉर्क बैंक में डॉलर 200 मिलियन के हीरे छोड़ देता है।
हीरो का दबाव करने के लिए तीनों लाभार्थियों को बैंक में उपस्थित होना चाहिए या यदि मृत हो तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। डॉन की मौत के कुछ समय बाद विक्रांत टेलीविज़न के पूर्ण दृश्य में भारतीय गृह मंत्री की हत्या करके गुरु को ख़त्म करने का प्रयास करता है। कैमरे उसके वेश में अभियोजन से बचने के लिए गुरु किसी और के वेश में अमेरिका भाग जाता है। गुरु उस गली में जाता है जहां अनमोल और उसका परिवार रहता है। अनमोल उसे खबर से पहचान लेता है। उसकी सास उसे विक्रांत को गुरु के बारे में बताने और इनाम पाने के लिए अपने ससुर मणिलाल के साथ भारत जाने के लिए मजबूर करती है, लेकिन सब कुछ गलत हो जाता है जब विक्रांत इनाम नहीं देता है और इसके बजाय अनमोल और मणिलाल को अपने किराए के पुरुषों येदा अन्ना और छोटा छतरी के साथ गुरु को मारने के लिए वापस अमेरिका भेजता है। बाद में उन्हें पता चला कि येदा अन्ना एक डबल एजेंट था। वह पूरे समय गुरु के लिए काम कर रहा था क्योंकि उसने अधिक पैसे की पेशकश की थी। समूह हवाई अड्डे पर विक्रांत और प्रीति को प्राप्त करता है और होटल के लिए ड्राइव करता है। होटल में विक्रांत को चीनी गुंडों के एक रहस्यमय समूह द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। येदा अन्ना को एक फ़ोन कॉल आता है और पता चलता है कि अपहृत विक्रांत असली या डुप्लीकेट था और असली वाला बाद में विमान से आने वाला था। वे दूसरे विक्रांत को मार डालते हैं और उसके शव को ब्रुकलिन ब्रिज के पास एक कार में डाल देते हैं। विक्रांत की मृत्यु के साथ प्रीति और गुरु प्रत्येक को आधे हीरे मिलते हैं। जब वे बैंक के बाहर होते हैं तो पुलिसकर्मियों का एक समूह ने गिरफ्तार कर लेता है और एक अज्ञात रेगिस्तानी इलाके में ले जाता है। यह पता चलता है कि विक्रांत अभी भी जीवित है और पहले विक्रांत को चीनी गुंडों ने अपहरण कर लिया था। विक्रांत को हीरे मिलते हैं और वह गुरु को मारने की कोशिश करता है। एक लड़ाई होती है। लड़ाई के अंत में गुरु विक्रांत को मार देता है। जब यह सब खत्म हो जाता है तो वे एक दूसरे से यह पता लगाने के लिए कहते हैं कि हीरे किसके पास हैं। अनमोल के पास हैं और कहता है कि अगर वह प्रीति को तलाक देता है तो वह उन्हें गुरु को दे देगा। गुरु अनमोल द्वारा चुनी गई लोकेशन पर पहुँचता है और अनमोल को तलाक के कागजात देते हुए हीरे ले आता है। येदा अन्ना ने गुरु को डबल क्रॉस किया और हीरे चुराने की कोशिश की। गुरु एक लड़ाई में जीत जाता है और येदा गुरु को हीरे देता है, जबकि उसे एक बार में लटका कर छोटा छतरी के कंधों पर खड़ा कर देता है। आखिर में अनमोल और उसका प्यार प्रीति भारत जाते नज़र आते हैं। अनमोल के पूर्व ससुर उसे कुछ हीरे देते हैं जो उसे गुरु से मिले थे। प्रीति टिप्पणी करती है कि वह नहीं जानती थी कि गुरु बहुत अच्छे थे। फेंकना येदा अन्ना के रूप में सुनील शेट्टी, गुरु गुलाब खत्री के रूप में अक्षय कुमार, डॉक्टर अनमोल आचार्य के रूप में आफ्ताब शिवदासानी, मणिलाल पटेल अनमोल के पूर्व ससुर परमजीत के पति और मोना के पिता के रूप में परेश रावल, छोटा छतरी के रूप में जॉनी लीवर, एक हकलाने वाला गुंडा जो येदा अन्ना के लिए काम कर रहा है, टीना चिप्पा अनमोल की सचिव के रूप में आरती छावड़िया जो बाद में गुरु गुलाब खत्री से शादी करती है, प्रीति जंगियानी प्रीति आचार्य पहले खत्री, नी प्रसाद बलदेव की बेटी, विक्रांत की बहन, गुरु गुलाब की पूर्व पत्नी और अनमोल की पत्नी के रूप में वह गुरु गुलाब और विक्रांत के बीच की लड़ाई को ख़त्म करना चाहती है, लेकिन उसकी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। मोना पटेल मणिलाल और परमजीत की बेटी, अनमोल की पूर्व पत्नी के रूप में अमृता अरोड़ा जो लगातार उन पर हावी रहती है, विक्रांत प्रसाद के रूप में राहुल देव, बलदेव के पुत्र, प्रीति के भाई गुरु गुलाब के पूर्व साले, वह अपनी विरासत का दावा करने के लिए गुरु गुलाब को मारने की कोशिश कर रहा है, परमजीत पटेल मणिलाल की पत्नी अनमोल की पूर्व सास मोना की मां के रूप में सुप्रिया पिलगांवकर, वह लगातार अनमोल और मणिलाल पर हावी रहती है, डॉन बाबा बलदेव प्रसाद के रूप में ओमपुरी, कैमियो असरानी चंपक लाल के रूप में बलदेव की नम्र वकील कैमियो, गीत संगीत एल्बम का संगीत अनु मलिक ने दिया है, सभी गीत समीर द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर एक आवारा पागल दीवाना, इस गाने को शान और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो जिस हसन रोना, इस गाने को उदित नारायण, सोनू निगम, शान, अलका याग्निक, सुनिधि चौहान और सारिका कपूर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन प्रेम धुन। गाना नंबर चार मैंने तो खाई कसम, इस गाने के गायिका सुनिधि चौहान और अभिजीत हैं। गाना नंबर पाँच मोर सांवरिया, इस गाने के गायिका सुनिधि चौहान, शान और अनु मलिक हैं।
गाना नंबर 6 या हबीबी इस गाने के गायकार अदनान सामी और शब्बीर कुमार और सुनिधि चौहान हैं। गाना नंबर 7 ये तूने क्या किया फिल्म में इस्तेमाल नहीं किया गया। इस गाने के गायकार सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको आवारा पागल दीवाना मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। आवारा पागल दीवाना। आवारा पागल दीवाना अंग्रेजी वे वार्ड क्रेजी इनसेन विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का संगीत अनु मलिक ने दिया था और गीत समीर ने। इसमें पूरी तरह से द होल नाइन यार्ड से प्रेरित एक प्लॉट है और स्टंट निर्देशक डायन लैम द्वारा कोरियोग्राफ किए गए एक्शन दृश्यों को पेश करता है, जिन्होंने द मैट्रिक्स और हांगकांग की एक्शन फिल्मों में काम किया था। यह अक्षय कुमार द्वारा भव्य और आकर्षक गीत चित्रांकन स्टंट एक्शन दृश्यों के लिए उल्लेखनीय था और जॉनी लीवर के साथ परेश रावल की लोकप्रिय हास्यपूर्ण केमिस्ट्री, जिन्होंने छोटा छतरी नामक एक मज़ेदार किरदार निभाया। दीवाने हुए पागल नामक एक सीक्वल 2005 में जारी किया गया था। निर्देशक विक्रम भट्ट द्वारा लिखित नीरज वोरा संवाद, कहानी द्वारा मंगेश कुलकर्णी, आनंद वर्धन द्वारा निर्मित ए जी नाडियाडवाला, फिरोज ए नाडियाडवाला अभिनीत, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, आफ्ताब शिवदासानी, परेश रावल, प्रीति झिंगियानी, आरती छावड़िया, अमृता अरोड़ा, छायांकन प्रवीण भट्ट द्वारा संपादित अमित सक्सेना, संगीत दिया है अनु मलिक, फ्रेको बाज स्कोर, प्रोडक्शन कंपनी बेस इंडस्ट्रीज ग्रुप द्वारा वितरित शेमारू एंटरटेनमेंट पेन इंडिया लिमिटेड, रिलीज की तारीख 20 जून 2002, कार्यकारी समय 164 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी। भूखंड। कहानी एक मृत भारतीय अंडरवर्ल्ड डॉन बाबा बलदेव प्रसाद की विरासत पर केंद्रित है, जिनकी दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाती है। वह अपने बेटे विक्रांत, अपनी बेटी प्रीति और प्रीति के पति गुरु गुलाब खत्री के बीच समान रूप से वितरित करने के लिए न्यूयॉर्क बैंक में $200 मिलियन के हीरे छोड़ देता है। हीरो का दबाव करने के लिए तीनों लाभार्थियों को बैंक में उपस्थित होना चाहिए या यदि मृत्यु हो तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। डॉन की मौत के कुछ समय बाद विक्रांत टेलीविज़न के पूर्ण दृश्य में भारतीय गृह मंत्री की हत्या करके गुरु को ख़त्म करने का प्रयास करता है। कैमरे उसके वेश में अभियोजन से बचने के लिए गुरु किसी और के वेश में अमेरिका भाग जाता है। गुरु उस गली में जाता है जहां अनमोल और उसका परिवार रहता है। अनमोल उसे खबर से पहचान लेता है। उसकी सास उसे विक्रांत को गुरु के बारे में बताने और इनाम पाने के लिए अपने ससुर मणिलाल के साथ भारत जाने के लिए मजबूर करती है, लेकिन सब कुछ गलत हो जाता है जब विक्रांत इनाम नहीं देता है और इसके बजाय अनमोल और मणिलाल को अपने किराए के पुरुषों येदा अन्ना और छोटा छतरी के साथ गुरु को मारने के लिए वापस अमेरिका भेजता है। बाद में उन्हें पता चला कि येदा अन्ना एक डबल एजेंट था। वह पूरे समय गुरु के लिए काम कर रहा था क्योंकि उसने अधिक पैसे की पेशकश की थी। समूह हवाई अड्डे पर विक्रांत और प्रीति को प्राप्त करता है और होटल के लिए ड्राइव करता है। होटल में विक्रांत को चीनी गुंडों के एक रहस्यमय समूह द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। येदा अन्ना को एक फ़ोन कॉल आता है और पता चलता है कि अपहृत विक्रांत असली या डुप्लीकेट था और असली वाला बाद में विमान से आने वाला था। वे दूसरे विक्रांत को मार डालते हैं और उसके शव को ब्रुकलिन ब्रिज के पास एक कार में डाल देते हैं। विक्रांत की मृत्यु के साथ प्रीति और गुरु प्रत्येक को आधे हीरे मिलते हैं। जब वे बैंक के बाहर होते हैं तो पुलिसकर्मियों का एक समूह ने गिरफ्तार कर लेता है और एक अज्ञात रेगिस्तानी इलाके में ले जाता है। यह पता चलता है कि विक्रांत अभी भी जीवित है और
पहले विक्रांत को चीनी गुंडों ने अपहरण कर लिया था। विक्रांत को हीरे मिलते हैं और वह गुरु को मारने की कोशिश करता है। एक लड़ाई होती है, लड़ाई के अंत में गुरु विक्रांत को मार देता है। जब यह सब खत्म हो जाता है तो वे एक दूसरे से यह पता लगाने के लिए कहते हैं कि हीरे किसके पास हैं। अनमोल के पास हैं और कहता है कि अगर वह प्रीति को तलाक देता है तो वह उन्हें गुरु को दे देगा। गुरु अनमोल द्वारा चुनी गई लोकेशन पर पहुंचता है और अनमोल को तलाक के कागजात देते हुए हीरे ले आता है। एदा अन्ना ने गुरु को डबल क्रॉस किया और हीरे चुराने की कोशिश की। गुरु एक लड़ाई में जीत जाता है और एदा गुरु को हीरे देता है, जबकि उसे एक बार में लटका कर छोटा छतरी के कंधों पर खड़ा कर देता है। आखिर में अनमोल और उसका प्यार प्रीति भारत जाते नज़र आते हैं। अनमोल के पूर्व ससुर उसे कुछ हीरे देते हैं जो उसे गुरु से मिले थे। प्रीति टिप्पणी करती है कि वह नहीं जानती थी कि गुरु बहुत अच्छे थे। फेंकना, एदा अन्ना के रूप में सुनील शेट्टी, गुरु गुलाब खत्री के रूप में अक्षय कुमार, डॉक्टर अनमोल आचार्य के रूप में आफ्ताब शिवदासानी, मणिलाल पटेल अनमोल के पूर्व ससुर परमजीत के पति और मोना के पिता के रूप में परेश रावल, छोटा छतरी के रूप में जॉनी लीवर, एक हकलाने वाला गुंडा जो एदा अन्ना के लिए काम कर रहा है, टीना चिप्पा अनमोल की सचिव के रूप में, आरती छावड़िया जो बाद में गुरु गुलाब खत्री से शादी करती है, प्रीति जंगियानी, प्रीति आचार्य पहले खत्री, नी प्रसाद बलदेव की बेटी, विक्रांत की बहन, गुरु गुलाब की पूर्व पत्नी और अनमोल की पत्नी के रूप में वह गुरु गुलाब और विक्रांत के बीच की लड़ाई को ख़त्म करना चाहती है, लेकिन उसकी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। मोना पटेल मणिलाल और परमजीत की बेटी, अनमोल की पूर्व पत्नी के रूप में अमृता अरोड़ा जो लगातार उन पर हावी रहती है, विक्रांत प्रसाद के रूप में राहुल देव, बलदेव के पुत्र, प्रीति के भाई गुरु गुलाब के पूर्व साले, वह अपनी विरासत का दावा करने के लिए गुरु गुलाब को मारने की कोशिश कर रहा है, परमजीत पटेल मणिलाल की पत्नी अनमोल की पूर्व सास मोना की माँ के रूप में सुप्रिया पिलगांवकर, वह लगातार अनमोल और मणिलाल पर हावी रहती है, डॉन बाबा बलदेव प्रसाद के रूप में ओमपुरी, कैमियो असरानी चंपकलाल के रूप में बलदेव की नम्र वकील कैमियो, गीत संगीत एल्बम का संगीत अनु मलिक ने दिया है, सभी गीत समीर द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर एक आवारा पागल दीवाना, इस गाने को शान और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो जिस हसन रोना, इस गाने को उदित नारायण, सोनू निगम, शान, अलका याग्निक, सुनिधि चौहान और सारिका कपूर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन प्रेम धुन। गाना नंबर चार मैंने तो खाई कसम, इस गाने के गायिका सुनिधि चौहान और अभिजीत हैं। गाना नंबर पाँच मोर सांवरिया, इस गाने के गायिका सुनिधि चौहान, शान और अनु मलिक हैं। गाना नंबर छः या हबीबी, इस गाने के गायिका अदनान सामी और शब्बीर कुमार और सुनिधि चौहान हैं। गाना नंबर सात ये तूने क्या किया, फिल्म में इस्तेमाल नहीं किया गया, इस गाने के गायिका सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको आवारा पागल दीवाना मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। आवारा पागल दीवाना। आवारा पागल दीवाना अंग्रेजी वे वार्ड क्रेजी इनसेन विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का संगीत अनु मलिक ने दिया था और गीत समीर ने। इसमें पूरी तरह से द होल नाइन यार्ड से प्रेरित एक प्लॉट है और स्टंट निर्देशक डायन लैम द्वारा कोरियोग्राफ किए गए एक्शन दृश्यों को पेश करता है, जिन्होंने द मैट्रिक्स और हांगकांग की एक्शन फिल्मों में काम किया था। यह अक्षय कुमार द्वारा भव्य और आकर्षक गीत चित्रांकन स्टंट एक्शन दृश्यों के लिए उल्लेखनीय था और जॉनी लीवर के साथ परेश रावल की लोकप्रिय हास्यपूर्ण केमिस्ट्री, जिन्होंने छोटा छतरी नामक एक मज़ेदार किरदार निभाया। दीवाने हुए पागल नामक
एक सीक्वल 2005 में जारी किया गया था। निर्देशक विक्रम भट्ट द्वारा लिखित नीरज वोरा संवाद, कहानी द्वारा मंगेश कुलकर्णी, आनंद बर्धन द्वारा निर्मित ए जी नाडियाडवाला, फिरोज ए नाडियाडवाला अभिनीत, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, आफ्ताब शिवदासानी, परेश रावल, प्रीति झिंगियानी, आरती छावड़िया, अमृता अरोड़ा, छायांकन प्रवीण भट्ट द्वारा संपादित अमित सक्सेना, संगीत दिया है अनु मलिक, फ्रेको बाज स्कोर, प्रोडक्शन कंपनी बेस इंडस्ट्रीज ग्रुप द्वारा वितरित शेमारू इंटरटेनमेंट पेन इंडिया लिमिटेड, रिलीज की तारीख 20 जून 2002, कार्यकारी समय 164 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी। भूखंड, कहानी एक मृत भारतीय अंडरवर्ल्ड डॉन बाबा बलदेव प्रसाद की विरासत पर केंद्रित है, जिनकी दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाती है। वह अपने बेटे विक्रांत, अपनी बेटी प्रीति और प्रीति के पति गुरु गुलाब खत्री के बीच समान रूप से वितरित करने के लिए न्यूयॉर्क बैंक में $200 मिलियन के हीरे छोड़ देता है। हीरो का दबाव करने के लिए तीनों लाभार्थियों को बैंक में उपस्थित होना चाहिए या यदि मृत्यु हो तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। डॉन की मौत के कुछ समय बाद विक्रांत टेलीविज़न के पूर्ण दृश्य में भारतीय गृह मंत्री की हत्या करके गुरु को ख़त्म करने का प्रयास करता है। कैमरे उसके वेश में अभियोजन से बचने के लिए गुरु किसी और के वेश में अमेरिका भाग जाता है। गुरु उस गली में जाता है जहाँ अनमोल और उसका परिवार रहता है। अनमोल उसे खबर से पहचान लेता है। उसकी सास उसे विक्रांत को गुरु के बारे में बताने और इनाम पाने के लिए अपने ससुर मणिलाल के साथ भारत जाने के लिए मजबूर करती है, लेकिन सब कुछ गलत हो जाता है जब विक्रांत इनाम नहीं देता है और इसके बजाय अनमोल और मणिलाल को अपने किराए के पुरुषों येदा अन्ना और छोटा छतरी के साथ गुरु को मारने के लिए वापस अमेरिका भेजता है। बाद में उन्हें पता चला कि येदा अन्ना एक डबल एजेंट था। वह पूरे समय गुरु के लिए काम कर रहा था क्योंकि उसने अधिक पैसे की पेशकश की थी। समूह हवाई अड्डे पर विक्रांत और प्रीति को प्राप्त करता है और होटल के लिए ड्राइव करता है। होटल में विक्रांत को चीनी गुंडों के एक रहस्यमय समूह द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। येदा अन्ना को एक फ़ोन कॉल आता है और पता चलता है कि अपहृत विक्रांत असली या डुप्लीकेट था और असली वाला बाद में विमान से आने वाला था। वे दूसरे विक्रांत को मार डालते हैं और उसके शव को ब्रुकलिन ब्रिज के पास एक कार में डाल देते हैं। विक्रांत की मृत्यु के साथ प्रीति और गुरु प्रत्येक को आधे हीरे मिलते हैं। जब वे बैंक के बाहर होते हैं तो पुलिसकर्मियों का एक समूह ने गिरफ्तार कर लेता है और एक अज्ञात रेगिस्तानी इलाके में ले जाता है। यह पता चलता है कि विक्रांत अभी भी जीवित है और पहले विक्रांत को चीनी गुंडों ने अपहरण कर लिया था। विक्रांत को हीरे मिलते हैं और वह गुरु को मारने की कोशिश करता है। एक लड़ाई होती है। लड़ाई के अंत में गुरु विक्रांत को मार देता है। जब यह सब खत्म हो जाता है तो वे एक दूसरे से यह पता लगाने के लिए कहते हैं कि हीरे किसके पास हैं। अनमोल के पास हैं और कहता है कि अगर वह प्रीति को तलाक देता है तो वह उन्हें गुरु को दे देगा। गुरु अनमोल द्वारा चुनी गई लोकेशन पर पहुँचता है और अनमोल को तलाक के कागजात देते हुए हीरे ले आता है। येदा अन्ना ने गुरु को डबल क्रॉस किया और हीरे चुराने की कोशिश की। गुरु एक लड़ाई में जीत जाता है और येदा गुरु को हीरे देता है, जबकि उसे एक बार में लटका कर छोटा छतरी के कंधों पर खड़ा कर देता है। आखिर में अनमोल और उसका प्यार प्रीति भारत जाते नज़र आते हैं। अनमोल के पूर्व ससुर उसे कुछ हीरे देते हैं जो उसे गुरु से मिले थे। प्रीति टिप्पणी करती है कि वह नहीं जानती थी कि गुरु बहुत अच्छे थे। फेंकना, येदा अन्ना के रूप में सुनील शेट्टी, गुरु गुलाब खत्री के रूप में अक्षय कुमार, डॉक्टर अनमोल आचार्य के रूप में आफ्ताब शिवदासानी, मणिलाल पटेल अनमोल के पूर्व ससुर परमजीत के पति और मोना के पिता के रूप में परेश रावल, छोटा छतरी के रूप में जॉनी लीवर, एक हकलाने वाला गुंडा जो येदा अन्ना के लिए काम कर रहा है, टीना चिप्पा अनमोल की सचिव के रूप में आरती छावड़िया जो बाद में गुरु गुलाब खत्री से शादी करती है, प्रीति जंगियानी प्रीति आचार्य पहले खत्री, नी प्रसाद बलदेव की बेटी, विक्रांत की बहन, गुरु गुलाब की पूर्व पत्नी और अनमोल की पत्नी के रूप में वह गुरु गुलाब और विक्रांत के बीच की लड़ाई को ख़त्म करना चाहती है लेकिन उसकी कोशिशें बेकार हो जाती हैं।
मोना पटेल मणिलाल और परमजीत की बेटी अनमोल की पूर्व पत्नी के रूप में अमृता अरोड़ा जो लगातार उन पर हावी रहती है। विक्रांत प्रसाद के रूप में राहुल देव, बलदेव के पुत्र, प्रीति के भाई गुरु, गुलाब के पूर्व साले। वह अपनी विरासत का दावा करने के लिए गुलाब को मारने की कोशिश कर रहा है। परमजीत पटेल मणिलाल की पत्नी अनमोल की पूर्व सास मोना की मां के रूप में सुप्रिया पिलगांवकर, वह लगातार अनमोल और मणिलाल पर हावी रहती है। डॉन बाबा बलदेव प्रसाद के रूप में ओमपुरी, कैमियो असरानी, चंपक लाल के रूप में बलदेव की नम्र वकील कैमियो। गीत संगीत एल्बम का संगीत अनु मलिक ने दिया है। सभी गीत समीर द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर एक आवारा पागल दीवाना, इस गाने को शान और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो जिस हसन रोना, इस गाने को उदित नारायण, सोनू निगम, शान, अलका याग्निक, सुनिधि चौहान और सारिका कपूर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन प्रेम धुन। गाना नंबर चार मैंने तो खाई कसम, इस गाने के गायकार सुनिधि चौहान और अभिजीत हैं। गाना नंबर पाँच मोर सांवरिया, इस गाने के गायकार सुनिधि चौहान, शान और अनु मलिक हैं। गाना नंबर छः या हबीबी, इस गाने के गायकार अदनान सामी और शब्बीर कुमार और सुनिधि चौहान हैं। गाना नंबर सात ये तूने क्या किया, फिल्म में इस्तेमाल नहीं किया गया, इस गाने के गायकार सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको आवारा पागल दीवाना मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। आवारा पागल दीवाना। आवारा पागल दीवाना अंग्रेजी वे वार्ड क्रेजी इनसेन विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का संगीत अनु मलिक ने दिया था और गीत समीर ने। इसमें पूरी तरह से द होल नाइन यार्ड से प्रेरित एक प्लॉट है और ईस्टर्न निर्देशक डायन लैम द्वारा कोरियोग्राफ किए गए एक्शन दृश्यों को पेश करता है, जिन्होंने द मैट्रिक्स और हांगकांग की एक्शन फिल्मों में काम किया था। यह अक्षय कुमार द्वारा भव्य और आकर्षक गीत चित्रांकन स्टंट एक्शन दृश्यों के लिए उल्लेखनीय था और जॉनी लीवर के साथ परेश रावल की लोकप्रिय हास्यपूर्ण केमिस्ट्री, जिन्होंने छोटा छतरी नामक एक मज़ेदार किरदार निभाया। दीवाने हुए पागल नामक एक सीक्वल 2005 में जारी किया गया था। निर्देशक विक्रम भट्ट द्वारा लिखित नीरज बोरा संवाद, कहानी द्वारा मंगेश कुलकर्णी, आनंद बर्धन द्वारा निर्मित ए जी नाडियाडवाला, फिरोज ए नाडियाडवाला अभिनीत, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, आफ्ताब शिवदासानी, परेश रावल, प्रीति झिंगियानी, आरती छावड़िया, अमृता अरोड़ा, छायांकन प्रवीण भट्ट द्वारा संपादित अमित सक्सेना, संगीत दिया है अनु मलिक। फ्रेकोबाज स्कोर प्रोडक्शन कंपनी बेस इंडस्ट्रीज ग्रुप द्वारा वितरित शेमारू एंटरटेनमेंट पेन इंडिया लिमिटेड। रिलीज की तारीख 20 जून 2002। कार्यकारी समय 164 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। भूखंड। कहानी एक मृत भारतीय अंडरवर्ल्ड डॉन बाबा बलदेव प्रसाद की विरासत पर केंद्रित है, जिनकी दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाती है। वह अपने बेटे विक्रांत, अपनी बेटी प्रीति और प्रीति के पति गुरु गुलाब खत्री के बीच समान रूप से वितरित करने के लिए न्यूयॉर्क बैंक में $200 मिलियन के हीरे छोड़ देता है। हीरो का दबाव करने के लिए तीनों लाभार्थियों को बैंक में उपस्थित होना चाहिए या यदि मृत्यु हो तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। डॉन की मौत के कुछ समय बाद विक्रांत टेलीविज़न के पूर्ण दृश्य में भारतीय गृह मंत्री की हत्या करके गुरु को ख़त्म करने का प्रयास करता है। कैमरे उसके वेश में अभियोजन से बचने के लिए गुरु किसी और के वेश में अमेरिका भाग जाता है। गुरु उस गली में जाता है जहां अनमोल और उसका परिवार रहता है। अनमोल उसे खबर से पहचान लेता है
उसकी सास उसे विक्रांत को गुरु के बारे में बताने और इनाम पाने के लिए अपने ससुर मणिलाल के साथ भारत जाने के लिए मजबूर करती है, लेकिन सब कुछ गलत हो जाता है जब विक्रांत इनाम नहीं देता है और इसके बजाय अनमोल और मणिलाल को अपने किराए के पुरुषों येदा अन्ना और छोटा छतरी के साथ गुरु को मारने के लिए वापस अमेरिका भेजता है। बाद में उन्हें पता चला कि येदा अन्ना एक डबल एजेंट था। वह पूरे समय गुरु के लिए काम कर रहा था क्योंकि उसने अधिक पैसे की पेशकश की थी। समूह हवाई अड्डे पर विक्रांत और प्रीति को प्राप्त करता है और होटल के लिए ड्राइव करता है। होटल में विक्रांत को चीनी गुंडों के एक रहस्यमय समूह द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। येदा अन्ना को एक फ़ोन कॉल आता है और पता चलता है कि अपहृत विक्रांत असली या डुप्लीकेट था और असली वाला बाद में विमान से आने वाला था। वे दूसरे विक्रांत को मार डालते हैं और उसके शव को ब्रुकलिन ब्रिज के पास एक कार में डाल देते हैं। विक्रांत की मृत्यु के साथ प्रीति और गुरु प्रत्येक को आधे हीरे मिलते हैं। जब वे बैंक के बाहर होते हैं तो पुलिसकर्मियों का एक समूह ने गिरफ्तार कर लेता है और एक अज्ञात रेगिस्तानी इलाके में ले जाता है। यह पता चलता है कि विक्रांत अभी भी जीवित है और पहले विक्रांत को चीनी गुंडों ने अपहरण कर लिया था। विक्रांत को हीरे मिलते हैं और वह गुरु को मारने की कोशिश करता है। एक लड़ाई होती है। लड़ाई के अंत में गुरु विक्रांत को मार देता है। जब यह सब खत्म हो जाता है तो वे एक दूसरे से यह पता लगाने के लिए कहते हैं कि हीरे किसके पास हैं। अनमोल के पास हैं और कहता है कि अगर वह प्रीति को तलाक देता है तो वह उन्हें गुरु को दे देगा। गुरु अनमोल द्वारा चुनी गई लोकेशन पर पहुँचता है और अनमोल को तलाक के कागजात देते हुए हीरे ले आता है। येदा अन्ना ने गुरु को डबल क्रॉस किया और हीरे चुराने की कोशिश की। गुरु एक लड़ाई में जीत जाता है और येदा गुरु को हीरे देता है, जबकि उसे एक बार में लटका कर छोटा छतरी के कंधों पर खड़ा कर देता है। आखिर में अनमोल और उसका प्यार प्रीति भारत जाते नज़र आते हैं। अनमोल के पूर्व ससुर उसे कुछ हीरे देते हैं जो उसे गुरु से मिले थे। प्रीति टिप्पणी करती है कि वह नहीं जानती थी कि गुरु बहुत अच्छे थे। फेंकना येदा अन्ना के रूप में सुनील शेट्टी, गुरु गुलाब खत्री के रूप में अक्षय कुमार, डॉक्टर अनमोल आचार्य के रूप में आफ्ताब शिवदासानी, मणिलाल पटेल अनमोल के पूर्व ससुर परमजीत के पति और मोना के पिता के रूप में परेश रावल, छोटा छतरी के रूप में जॉनी लीवर, एक हकलाने वाला गुंडा जो येदा अन्ना के लिए काम कर रहा है, टीना चिप्पा अनमोल की सचिव के रूप में आरती चावड़िया जो बाद में गुरु गुलाब खत्री से शादी करती है, प्रीति जंगियानी प्रीति आचार्य पहले खत्री, नी प्रसाद बलदेव की बेटी, विक्रांत की बहन, गुरु गुलाब की पूर्व पत्नी और अनमोल की पत्नी के रूप में वह गुरु गुलाब और विक्रांत के बीच की लड़ाई को ख़त्म करना चाहती है, लेकिन उसकी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। मोना पटेल मणिलाल और परमजीत की बेटी, अनमोल की पूर्व पत्नी के रूप में अमृता अरोड़ा जो लगातार उन पर हावी रहती है, विक्रांत प्रसाद के रूप में राहुल देव, बलदेव के पुत्र, प्रीति के भाई गुरु गुलाब के पूर्व साले, वह अपनी विरासत का दावा करने के लिए गुरु गुलाब को मारने की कोशिश कर रहा है, परमजीत पटेल मणिलाल की पत्नी अनमोल की पूर्व सास मोना की माँ के रूप में सुप्रिया पिलगांवकर, वह लगातार अनमोल और मणिलाल पर हावी रहती है, डॉन बाबा बलदेव प्रसाद के रूप में ओमपुरी कैमियो असरानी, चंपक लाल के रूप में बलदेव की नम्र वकील कैमियो, गीत संगीत एल्बम का संगीत अनु मलिक ने दिया है, सभी गीत समीर द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर एक आवारा पागल दीवाना, इस गाने को शान और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो जिस हसन रोना, इस गाने को उदित नारायण, सोनू निगम, शान, अलका याग्निक, सुनिधि चौहान और सारिका कपूर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन प्रेम धुन, गाना नंबर चार मैंने तो खाई कसम, इस गाने के गायकार सुनिधि चौहान और अभिजीत हैं। गाना नंबर पाँच मोर सांवरिया, इस गाने के गायकार सुनिधि चौहान, शान और अनु मलिक हैं। गाना नंबर छः या हबीबी, इस गाने के गायकार अदनान सामी और शब्बीर कुमार और सुनिधि चौहान हैं। गाना नंबर सात ये तूने क्या किया, फिल्म में इस्तेमाल नहीं किया गया, इस गाने के गायकार सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल हैं।